A very good morning to you. I'm okay. How are you? कैसे हैं आप लोग? आज traffic was really, really, really bad, like crazy, mad traffic. But then again, you know, that's how it happens. कभी-कभी आप थोड़ा सा delay हो जाते हैं. एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये जो हम मखमूर सांप की तरह गाड़ियाँ चलाते हैं ना, that's really bad. आज accident होते-होते मैं दो मरतबा बचाऊँ, दो मरतबा, literally. It was just like crazy. Why? अगर निकल ही गए हो और आई गए हो रोड पे तो प्लीज़ आंखें खोल के चला लो, बिकॉज अगर एक्सीडेंट हो जाएगा और देर हो जाएगी. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मेरा नाम साहिर लोधी है, आप देख रहे हैं बोल एंटरटेनमेंट द मॉर्निंग शो विद साहिर. सो लेट्स से हेलो टू डॉक्टर लाइबा. डॉक्टर साहब आप हैं, आ जाइए. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ तशरीफ रखिए. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. या आई थिंक ओह वेरी वेरी गुड. बिजी मॉर्निंग. इट वाज अ बिजी मॉर्निंग. व्हाई? रश लेट. आपको भी मिला? जी, मैं भी उसी रोड से आई हूँ. डॉक्टर साहब आप कभी बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए देखा अपने लोगों को? हाँ. यू नो व्हाट दे डू इज, वो लाइन को काट के, लाइन को तोड़ के और फिर बच्चों को छोड़ने जाते हैं. तो सी ऑफ भी करना होता है ना. नहीं, बट टेल मी, बच्चे क्या सीख रहे होंगे उससे? या दैट्स ट्रू. बिकॉज़ आप बच्चों को दिखा रहे हैं कि यू नो लाइन तोड़ना ठीक है, आगे आ जाना गाड़ी को लेके ठीक है. बच्चों को तो हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं दिखा रहे हैं, बच्चे और भी बहुत कुछ देख रहे हैं. आप सोचें, बिगिनिंग ऑफ द डे, इट्स योर डे, यू जस्ट देयर, इट्स इन द मॉर्निंग. पहला सबक जो आप सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि दूसरों को काट के आगे आना बिल्कुल ठीक है. ये पहला सबक सीख रहे हैं आप. तो दैट्स रियली टेरिबल, दैट्स रियली बैड. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए. वी गोना टॉक अबाउट द स्किन केयर, वी गोना टॉक अबाउट कि जी अपने जिल्द की हिफाजत कैसे करते हैं. एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ, मौसम अभी तब्दील हो रहा है, बारिशें आ गई, क्या उसकी वजह से एक्ने हो जाती है? एक्ने भी होती है, पिगमेंटेशन भी थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड वेदर. व्हेन योर फेस इज क्लॉग्ड बेसिकली इस वेदर में, देयर इज यू सीन कि कुछ लोगों के फेस बहुत ग्रीसी लग रहे हैं बिकॉज द वेदर इज ह्यूमिड. सो उसकी वजह से योर फेस टेंड्स टू लुक मोर डार्कर देन इट एक्चुअली इज. थोड़ी सी योर फेस लुक्स अ बिट मोर ग्रीसी, मोर डल, इज बिकॉज ऑफ द वेदर एंड बिकॉज ऑफ क्लॉग्ड पोर्स. एक्ने भी होती है. तो उसके लिए किया क्या जाए? व्हाट वन शुड डू? प्रॉपर क्लींजिंग. अगेन question is, what is proper cleansing? Getting the right face wash. Sahi face wash ka istemal, baar baar muh dhona, and plus ye jo hum, you know, it's the weather is humid aur ye oily cheeze kha ke muh pe haath lagana baar baar, bacteria all over the face. Hota hai kya? Yeah, of course. Acha, wo jo hum bachpan mein myth sunte the ki agar aap wo pimple ko aise nikal do to nishan reh jata hai, which is true. Nahi, nishan reh jata hai, but uske baad usko idhar lagao to dusra bhi ho jata hai. Bilkul. That's also true. That is true, because bacteria hai na. Oh, okay. Yeah, so that please is true. Don't do that. Don't have do you that. Done that? Huh? Have you done that? I class? Never had pimples. I don't know. मुझे कभी कभी हुआ ही नहीं, कभी आया ही नहीं pimple, कभी कोई नजर ही नहीं आया कुछ, मतलब it was, I was always like this. तो कभी कभी हुआ नहीं. So, okay. So, अगर acne किस उम्र से शुरू होती है, क्या acne से बचा जा सकता है? कोई prevention है? Actually, acne होती तो usually हर कोई देखता है, teenage से start हो जाती है, but बड़े कहते हैं कि निकलने दें जी, अच्छी बात है, निकलने कोई बात नहीं. हाँ हाँ, देयर आर लॉट ऑफ आई मीन आते हैं हमारे पास पेशेंट्स जिनके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, इट्स ओके, इस उम्र में तो निकलते हैं, दैट्स फाइन. ये सब जो पता नहीं अपेरेंटली अंदर से जो निकल रहा है, लेट इट बी, बट इट्स रॉन्ग. इट्स सपोज टू बी ट्रीटेड, चाहे वो टीन एज में चाहे वो बड़ी एज में. एक्ने इज सपोज टू बी ट्रीटेड. नहीं ट्रीट होगी तो स्कार्स छोड़ेगी, स्कार्स छोड़ेगी तो कोलेजन डिप्लीशन, एंड देन योर फेस लुक्स थिनर. इफ यू सी कुछ लोगों को जो बहुत सिवेयर एक्ने होती है ना, उनका मुंह बड़ा पतला हो जाता है. ओके. या बिकॉज द कोलेजन इज गॉन, द वॉल्यूम इज डिप्लीटेड. ओके. तो वो मुंह बहुत पतला लगता है. तो एक्ने हर सूरत में ट्रीट होना जरूरी है, नो मैटर व्हाट एज, नो मैटर व्हाट इज द टाइम, इट्स सपोज टू बी ट्रीटेड. अच्छा, सो माय क्वेश्चन इज कि जब लोग कहते हैं कि किस उम्र से एक्ने निकलना शुरू होती है, 13, 14 खवातीन मर्दों में एक्ने ज्यादा किसको होती है? अच्छा, दोनों को ही होती है, बट लड़कों को आई फील ज्यादा होती है. लड़कों को ज़्यादा होती है टीनेज में. ओके. और उनकी बुरी होती है बिकॉज उनको बहुत मोटे और पस्टूल्स जैसे दाने निकलते हैं. कंपैरेटिव जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको छोटे 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 दाने निकलते हैं, बट लड़कों को मोटे मोटे दाने निकलते हैं, दैट उनके पूरे चीक्स कवर्ड होते हैं, उनकी बियर्ड भी आ रही होती है नई नई नवी थी, तो वो बहुत एक मेसी सिचुएशन होती है. तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. ये मत समझें कि लड़का है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा, शेरों को मिल धुले में. नहीं, बिल्कुल नहीं.
उम्र कम करने और वजन कम करने के लिए जिस्म को तंदुरुस्त रखना जरूरी है। मुतवाजन ग़िज़ा में सब्जियां, फल और प्रोटीन शामिल करना चाहिए ताकि जिस्म को तमाम जरूरी विटामिंस और मादनियात मिल सके। बाकायदगी से वर्जिश जिस्म की चर्बी को कम करने और पट्ठों को मजबूत बनाने में मदद करती है, जबकि अच्छी नींद जिस्म को बेहतर तौर पर आराम और मरम्मत का मौका फराहम करती है। कम कैलोरी वाले खाने वजन कम करने में मददगार होते हैं और ज़हनी सुकून भी अहम है क्योंकि तनाव वजन बढ़ा सकता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं डाइट की। सो एक अच्छी डाइट क्या होती है? सो अच्छी डाइट ये है जिससे वेट भी लूज हो जाए, मेंटेन रहे। देखिए, वेट लूज करने के लिए तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपने कार्ब इंटेक को कंट्रोल करना पड़ता है। हमारा जो मेन खाना है ना पाकिस्तानी फूड, वो मुश्तमिली कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा सोर्सेज हम खा रहे थे, फिर जो फलों का इस्तेमाल बेइंतहा हम कर लेते हैं, तो हर चीज़ की जो पोर्शन कंट्रोलिंग बताई गई ना, अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, वो ये कि रात को लेट खाना खाना। जो 90% पाकिस्तानी ये कर रहे हैं कि रात को 10 बजे 10:30 बजे खाते हैं और फिर सहरे 2-2 बजे तक जाग के सो जाते हैं और फिर सुबह वही लेट उठ के वही सब, एक पूरा साइकिल चलता रहता है। तो उससे बहुत सारे आपकी बॉडी में हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं जो इवेंचुअली आपको वेट गेन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और देखिए देखिए ये मकसद ही, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि यू नो डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल आप देखें, आपको आप दिखाया जाए आपको, yeah. आप ये कर नहीं सकते। बिकॉज सोरायसिस जब स्प्रेड होता है इट्स बैड, वो बहुत बुरा हो जाता है, बालों में, कान के पीछे, नकल्स पे, हाथ के बीच में, वो काफ़ी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो उसको बहुत शुरू में एड्रेस कर लें। और ये जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, स्पेशली जैसे इचिंग होती है, कुछ लोग खारिश कर करके वो ब्लीडिंग भी हो जाती है उस एरिया में, उन्होंने मेंशन किया रेड है, दैट मीन्स कि वो फ्लेकी नहीं है, वो वाइट नहीं है, दैट मीन्स कि इट्स इची। तो सबसे पहले अपनी खारिश को कंट्रोल करें। ओके, या खारिश एंटी एलर्जी जी एंड डॉक्टर बाकी रेमेडी, हाँ जो हाँ, है आप रेमेडी बताना चाहते हैं जी प्लीज। अच्छा देखिए, सोरायसिस बहुत मुश्किल से जा रहा होता है, दोनों डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन एक सिंपल सा, एक बहुत ही आसान सा देसी नुस्खा जिसे हम कहते हैं, तारा मीरा का तेल लीजिए, अपने हाफ कप तारा मीरा का तेल लिया, उसके अंदर एक चमचा जो है नीम ऑयल, एक चमचा टी ट्री ऑयल, एक चमचा जो है 1 टीस्पून वो डालेंगे यूकलिप्टस ऑयल, तीनों चारों चीज़ों को मिला के रख लें। और इस ऑयल को जो है आपने दिन में 2 से 3 बार, रात को लगा के सो जाए, नहाने के बाद हल्का सा लगा लीजिए, थोड़ी सी इचिंग थोड़ी सी इचिंग होगी तारा मीरा, लेकिन ये वो वाहिद इलाज है जो बहुत जल्दी सही करता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और ये इस्तेमाल किया जा सकता है अगेन जैसे उमराहिल बता रही हैं आपको, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, प्लीज़ मेक श्योर यू कंसल्ट अ डॉक्टर, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। ये हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ ये इस्तेमाल कर लें। नहीं, बट एक्चुअली आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेट क्योर्ड विद घरेलू थिंग्स कंपैरेटिव टू हम जो ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं उससे बेहतर। मैंने देखा है कि जी हमने ये ऑयल लगाया था, हमें फर्क पड़ा, वी आर बेटर, सो आई एम श्योर दिस विल हेल्प मोर देन। मुझे दिखाना जरूरी इसलिए है कि कंडीशन आपको डॉक्टर, क्योंकि सोरायसिस की इंटेंसिटी होती है 6 लेवल्स। मैं आपको बताऊं, मैंने आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड ड्यू टू समथिंग रियली माइनर, और उसके बाद बहुत मेजर शानी, उसके बाद वो बहुत मेजर के अंदर एग्रीवेट होके चली गई और ही नेवर केयर्ड फॉर इट। वो अरे भाई ठीक हो जाएगा, भाई ठीक हो जाएगा, भाई ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक नहीं हुआ ना, ठीक नहीं हुआ। एंड फिर वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ इट वाज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, फिर कुछ नहीं हो सकता था। तो लास्ट ईयर ऑन 11th of August ही वाज गॉन। एंड मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नेग्लिजेंस बहुत सारे लोगों की थी उसमें, उनकी अपनी तो थी ही थी, लेकिन आई थिंक घर वाले जो थे उनकी भी नेग्लिजेंस थी। जब आपको एक कंप्लेन हो रही है, और फिर दूसरी एक और बात मैं करता हूँ, खुदा का वास्ता मैं आपके सामने ये हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको मैं ये जाली पीरों के पास, आमलों के पास जाके अपने आप को मत झड़वाइए, कुछ नहीं होता इनसे, खुदा का वास्ता यार। अगर आपको अल्लाह का कलाम ही पढ़ना है तो आपके पास कुरान करीम मौजूद है, आप खुद कर सकते हैं, बट खुदा का वास्ता इन जाली पीरों के पास जाके अपने आप को मत झड़वाएं, बल्कि इन्हें झाड़ के आएँ और एक हाथ लगा के भी आ जाए, बिकॉज ऑनेस्टली तकलीफ दे बात है। एक अभी एक हफ्ता पहले उनके दोनों बेटे मेरे पास आए, एंड इट वाज जस्ट अजीब सी फीलिंग मेरी, मैंने दोनों को देखा एंड आई जस्ट हग्ड बोथ ऑफ देम एंड इज गॉन, इज नॉट देयर एनी मोर। I don't have the liberty to pick up my phone and call him and say Kishani yahan aa jao. You guys have all you have met. So you know it's difficult. Please make sure ki jab bhi choti se choti badi cheez kyun na ho
आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, लाजमी जाना है, बिकॉज वरना फिर बड़े मसाइल हो जाते हैं। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टेलीविज़न बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेलीविज़न बंद कीजिए। मैं इकरा बात कर रही हूँ। मैं साहिर बात कर रहा हूँ जी। मैं आपके शो पे पहले भी कॉल की थी लेकिन बहुत मुश्किल से कॉल लगी आज। आई नो, बहुत मुश्किल से। मैं भी सोच रहा था इकरा का आज फोन ही नहीं आया। क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि मेरे सर में, मैं छोटी सी थी तो मेरा ऑपरेट हो गया था, तो जिसकी वजह से ना मेरे सर में बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो जब मैं सुबह उठती हूँ लेट से तो काफी मतलब चक्कर आते हैं ये सब चीजें, तो काफी ज्यादा वीकनेस है मेरे सर की। तो मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब सलूशन है। वैसे तुम्हारी मेरी सिचुएशन एक ही जैसी है। मैं भी सुबह उठता हूँ ना तो बिजली के बिल देखता हूँ मैं, तो मुझे भी चक्कर आने लगते हैं। फिर नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, चले चले बताएं क्या प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम तो बताएं। प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है कि उन्होंने ऑपरेट कराया था जब वो छोटी थी और उसकी वीकनेस है। ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 18 हो गई है। अब 18 हो गई है। जब ऑपरेट कराया था तब क्या एज थी? तब मेरी 3 इयर्स ओल्ड। Oh, 3 years old. तो weakness. 15 साल से वीकनेस नहीं गई? Yes. नहीं। अच्छा बेटा ये बताएं वेट कितना है आपका? वेट मेरा वेट तकरीबन 45 होगा, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है। खुश हैं आप? बिल्कुल, मतलब चिल हैं आप? आप तो कह रही हैं आपको वीकनेस है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी आपको, कोई कॉल लेना चाह रहा है इसको। आपने दिमाग नहीं नहीं मेरी जरा मेरा इशू थोड़ा ज्यादा है मेरे मैं मतलब मेरा इशू थोड़ा ज्यादा है। अच्छा बेटा बताइए क्या इशू क्या है ये बताएं। वीकनेस आपको किस तरह की है इकरा, क्या फील करती हैं? मेरे सर का बहुत ज्यादा इशू ये था कि मतलब सर की वीकनेस की वजह से मैंने काफी डॉक्टर से भी ये बात पूछी थी, तो वो कहते हैं आपके ऑपरेट की वजह से आपके सर में वीकनेस रह रही है, तो जिसकी वजह से मैं फ्रूट भी नहीं खा पाती, दूध भी नहीं पीती, जिससे मुझे एलर्जी हो जाती है। अच्छा, तो टेस्ट करवाए कभी आपने फूड एलर्जीज के? हाँ, दूध हजम नहीं होता आपको? दही तो खा लेती होंगी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा पाती, तो मुझे एलर्जी हो जाती है। इवन कि मुझे इंजेक्शन भी नहीं लग पाता। नहीं, मैं कुछ भी नहीं खा पाती। इंजेक्शन कौन सा नहीं लग पाता आपको? ताकत का जी? किस चीज का इंजेक्शन नहीं लग पाता आपको? ताकत का? कोई भी नहीं। नहीं, कोई भी इंजेक्शन नहीं लग सकता। कोरोना वैक्सीन लगी थी एक बार, उससे भी मुझे एलर्जी हो गई थी। उससे भी एलर्जी हो गई थी? अच्छा, इम्यूनिटी इनको, आई थिंक शी शुड हैव CBC इनको अपना कराना चाहिए, जिसमें इनको इनके WBCs चेक करने चाहिए। मुझे लग रहा है इनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हुई है। नहीं, बट इट्स बीन 15 इयर्स। मुझे लगता है कि आपको ना डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके अपना सारा चेकअप कराएं, टेस्ट सारे कराएं, जिसमें सारे टेस्ट शामिल हो, इंक्लूडिंग CBC से लेके टिल ऑल योर एलर्जिक टेस्ट, IgE, IgA, ये सब कराना जरूरी है ताकि पता चले प्रोटीन लेवल कितना है। नहीं, और बेटा एक बात और, इकरा, आई थिंक किसी साइकियाट्रिस्ट से भी आप जरूर मशवरा करें। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली डॉक्टर्स दे नो मोर। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। आपके घर के हालात कैसे हैं मुझे नहीं पता, आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यू नीड टू टॉक। आपको बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, अपने आप से भी और अपने बारे में दूसरों से भी। ब्रेक लेते हैं। फैशन स्टाइलिंग की अहमियत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज होती है। ये न सिर्फ फर्द की जाती शनाख्त को नुमाया करती है बल्कि एतमादी में भी इजाफा करती है। अच्छा स्टाइलिंग फर्द की शख्सियत को बेहतर तरीके से जाहिर करती है और माशरती मामलात में एतमाद फराहम करती है। इसके अलावा फैशन स्टाइलिंग सोशल और प्रोफेशनल मौके पर बेहतरीन तासुर छोड़ने में मददगार साबित होती है। आप ठीक ठाक हैं? आई एम ओके, आई एम ओके। हाउ इज यू? मी इज नॉट सो गुड। व्हाई? मुझे मजा नहीं आ रहा है।
जैसे आपको मजा नहीं आया कहीं बारिश कहीं कुछ, तो सारी कराची में बारिश हो जाती है, सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं होती। और जब वहाँ होती है तो फिर वहीं होती है, वहीं होती है, ऐसी होती है। बड़े लोग जी, बड़ी बात है जी, क्या किया जाए। तो नहीं, डिफेंस क्लिफ्टन में बारिश हो जाएगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। आज दोपहर का टाइम है वहाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। चलिए सही, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हैं उसमें आप? ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? बस मैं क्या सुनाऊँ आपको, आपको तो कुछ नहीं सुना। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट कोई बात नहीं। आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, वैसी लग रही हैं, बिल्कुल पहले जैसी लग रही हैं। पता नहीं आपको पता होगा, काफी दिन के बाद मेरी मुलाकात। जी जी जी, कितने दिन के बाद हुई है? काफी टाइम हो गया। नहीं काफी टाइम तो हो गया, बट कितना टाइम हो गया? आई थिंक हो गया कुछ 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया नहीं, नहीं नहीं, 1 ईयर नहीं हुआ, कम अज कम भी 7 साल 6 साल हुए। नहीं नहीं सर। हाँ हाँ, वाकई वाकई में वाकई सर, इससे पहले मैं आपके साथ ही थी, आई थिंक जी TV1 पे। जी जी हाँ, बट उसको हुए भी लाइक वो एजेस पुराना है। नहीं नहीं इतना हाँ, पुराना नहीं। हाँ, TV1 तो काफी हो गया, बहुत पुराना है। मैंने 2000 अच्छा नहीं सही क्या 2000 मैं कोविड के दौरान आई थी। जी जी कोविड 2020 में छोड़ा जी, 2020-21 में छोड़ा। हाँ तकरीबन 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। चलें, कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और कैसे चल रहा है काम? आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, गेट वेल सून। गेट वेल सून, ओके देयर यू गो, आई एम गोइंग टू गेट वेल सून। अच्छा हालात क्या आजकल? ठीक ठाक हालात अच्छे हैं, बारिश हो रही है और बारिश मुझे बहुत पसंद है। बारिश किसको पसंद नहीं है? आई हैव येट टू सी अ पर्सन जिसको बारिश पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है बिकॉज बारिश के बाद पानी जाता नहीं है। तो और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। प्लीज़ डोंट से दैट बिकॉज यू नो ये हकीकत है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो खड़ा रहेगा, फिर वो जाएगा नहीं। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। बट आपको बारिश पसंद है? मुझे बहुत पसंद। आपको पसंद है बारिश? मुझे बेहद पसंद है। बारिश में क्या पसंद है? मुझे बारिश में ड्राइविंग पसंद है। मुझे ड्राइविंग भी पसंद है, मुझे मज़े मज़े की चीज़ें खाना पसंद है। ओके एंड पहले जब बचपन था तो अब तो 55 हो गया। आज फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने बोला आज बचपन। सो जब बचपन था तो आई यूज्ड टू लव बेथिंग इन द रेन, बारिश में जाके नहाना। और मगर अब तो ये होता है कि डर ही लगता है कि फ्लू ही ना हो जाए। यू ड्राइविंग मुझे पसंद है। ड्राइविंग बिल्कुल। बस में बैठे हैं? नहीं नहीं, गाड़ी में जा। बशर्त ये आई डोंट नो, मुझे बस में ज्यादा जाहिर, लेकिन बशर्त ये कि आप ड्राइव पे जब निकलें तो ड्रेनेज हो सही चल रहा है वहाँ पे। तो नहीं, आप लोग तो खुल के बोलते नहीं है भाई, ड्राइविंग जरूर हो, पर जो जो आप या तो अकेले हो आप या फिर जिसके साथ हो आप एंजॉय कर सके तो एंजॉय कर सके। इसी तरह और नहाना बारिश में सबको पसंद है। नहाना तो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक हर एक को पसंद होता है, बिल्कुल बहुत सबको पसंद है। मैं तो पता है क्या करती हूं, मैं तो जहां रहती हूं वहां पे स्विंग वगैरह भी है, मैं स्विंग पे बैठ जाती हूं जब ड्रिजलिंग हो रही होती है और मैं उसको एंजॉय करती हूं, अकेले वो मोमेंट एंजॉय करती हूं, ठंडक बारिश तो अच्छा लगता है मुझे। अच्छा ये बताइए, हम अक्सर ये सवाल करते हैं, मुझे सवाल कभी समझ नहीं आया लेकिन मैंने भी पूछा है, व्हाट्स इन व्हाट्स आउट Everything, आजकल तो ये in this era there is no rule for fashion. Everything what you can carry, what should it should bring out the best in you. Okay. So I think that's fashion. Short bhi chalte, long bhi chalte. I mean whatever you wear, you should style it properly. Main basically styling is the most important thing. अच्छा हमारे यहाँ कुछ भी पहन लेते हैं लोग लेकिन style नहीं कर पाते. Style नहीं कर पाते. Even if you wear a very expensive joda or even if you wear a very minimal joda, but you have to style it properly. तो styling main चीज़ है आपके outfit में. What counts? तो आप जब dresses बनाती हैं, तो जब ड्रेस आप शुरू कर रही होती हैं तो सोच के रखा होता है कि ऐसे मैंने इसको ऐसे बनाना है या खुद ही हो जाता है? पहले से डिजाइन बनाती हैं उसका? हाँ बिल्कुल, पहले से स्केचेस होते हैं, डिजाइन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी मतलब आपने शुरू किया हो कुछ और बन कुछ गया? बन कुछ गया बहुत दफा ऐसा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ओके या आई एम जस्ट वंडरिंग बिकॉज़ बिल्कुल होता है, कभी कोई चीज हम सोचते हैं वो टर्न आउट वैसी नहीं होती है एंड कभी कुछ बहुत अच्छा टर्न आउट हो जाता है। सो इट्स यू नो, सो अब तक जितने भी आपने किए उसमें मास्टरपीस कौन सा आपका? उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क से ही आपका वर्क नजर आता है। टीम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और पीछे जो लोग होते हैं उनका अच्छा होना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। एवरीथिंग काउंट्स, कट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। So I think so, yeah.
अच्छा, हम लोगों ने जब बताया ना कि आप आ रही हैं आज ना, तो हम लोगों ने एक पोल किया था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप पूरे पाकिस्तान में एक अपना जो आउटफिट है वो हमें दीजिएगा तोहफे में। जरूर, इंशाल्लाह। पक्का? देयर यू गो। तो कॉलर्स कॉल इन। सॉरी, आई जस्ट नो इफ यू गाइस कैन गिव अस अ कॉल, गिव अस अ कॉल। एंड अगर कॉल बहुत अच्छी हुई, बहुत कोई इन्फॉर्मेटिव किसी ने बात पूछी या कोई बहुत मजे की कोई बात की, तो फिर हम सोचेंगे, फिर हम जुनैरा से पूछेंगे। मे बी जुनैरा वुड बी एबल टू गिव वन आउटफिट अवे। इज दैट, इज दैट ओके? या या, ऑलराइट ऑलराइट। आपका फेवरेट रंग कौन सा? आई नो यू लव ब्लैक। आई लव ब्लैक। यू लव ब्लैक, राइट? यस। उज़्मा? ब्राउन। ब्राउन, ओके। ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट। Not wearing neither black nor white. Black and navy. Black and navy. Yeah. Again, there you go. I think every color is beautiful in its own way. Where you're wearing it, how you carry it. अच्छा, कि गर्मियों के कोई specific colors होते हैं क्या? Pastels mostly. We know that pastels. बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों मैं सर्दियों में पेस्टल्स क्यों नहीं पहन सकता। सर्दियों का एक स्टिग्मा बन गया है कि वो डार्क कलर्स हैं। डार्क कलर्स। बट सर्दियों में अगर मोस्टली आप देखो तो वेडिंग ब्रंचेस और लंचेस होते हैं, उसमें वाइट बहुत स्टैंड आउट करता है। बट डिनर्स के जो होते हैं, दैट यू कैन गो फॉर डार्कर शेड्स, ऑफ कोर्स लोग प्रेफर करते हैं डार्कर शेड्स। एंड ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है। जैसे बाज़ दफा कहते हैं वाइट इज द न्यू ब्लैक। या एग्जैक्टली। बट ब्लैक, यू गाइस कैन से दीस सेंटेंसेस एंड यू नो वाइट इज अ वेरी सॉलिड कलर, सो नॉट गेट वायरल। इवन इफ आई रिमोटली से एनीथिंग आई वुड गेट वायरल, बट सो आई एम नॉट, टाइप लाइक यू नो, ओके व्हाटएवर, टोल्ड मी कि ब्लैक एंड वाइट इज नॉट अ कलर। Black and white is not a color. हाँ। Assalamu alaikum. Hello. आप लोग वहां से बटन दबाने भूल गए, वो दबाइए। Assalamu alaikum. जागते रहो मुसलमानों। Hello. Alright, alright. So what were you saying? Black and white is not a color? हाँ, जब मैं university में थी तो वहां पे ये इस चीज पे focus है, black and white is not a color. What are they? I don't know. Black is happy color. Black is happy color. For me. Okay, all right. It's all a state of mind actually. जिस तरह से आप जिस चीज को perceive करते हैं, जिस तरह से आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में अच्छा सोचते हैं, state of mind ही है। हाँ जी, बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं light तो आई भी है। बिल्कुल। क्या मसला है, मतलब क्या? इन आजकल के fashion में there are no rules. Of course, yes. No rules at all. Whatever you carry with confidence. Yeah. That's the craziest fashion that you guys have done. Craziest fashion. What have you done? Craziest. I wish we had a picture of that. I permed my hair, yeah, and permed it really wild, and it's not me. Main hamesha se bada, I've never seen you other than you. Exactly, that's how you have been. Yes, that's I've what known I'm you for like 15, at least 20 years. 20 years. And she has been exactly like this. Ye main hu. लेकिन कभी कभी मैं वो करती हूँ जो मैं नहीं हूँ। You are such a wonderful person. You have no idea. You're such a wonderful person. I genuinely mean it. I genuinely mean it. मैंने एनजी को ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं। मैंने एनजी को एक फोन किया था किसी के लिए। And she just said, हाँ, भेज दें। So just thank you. But sorry, it didn't work out. But no doubt, एनजी का वाकई में ये बात है कि एनजी को कभी भी हम लोग भी कॉल करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो एनजी फोन क्यों कॉल करते हैं? एनजी के माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत अच्छे जो है, हमारी पार्टीज होती है जो सैलून के ही हवाले से। पार्टीज में भी जाते हैं? ब्यूटी सेक्शन, ब्यूटी के हवाले से। लाइक हम लोग जो है, कौन सी पार्टीज होती है आपके? लाइक हमारी जो वुमेन्स में होती हैं वो आपस में हम लोग फ्रेंड्स पार्टीज करते हैं। वुमेन्स में नहीं, फ्रेंड्स पार्टीज कर हम लोग फ्रेंड्स जो आपस में प्रोफेशनल होते हैं। क्लासेस होते हैं? नहीं, क्लासेस होती हैं हमारी एजुकेशन के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से। लाइक यस्टरडे आई हैड अ सेशन एट माय सैलून। सैलून, इनफैक्ट वो मेरे सैलून पे कोई मसला हो गया था। कितनी प्रोडक्टिव होते हैं ना मर्द, बिल्कुल नहीं होते। हमारी पार्टीज क्या होते हैं? पॉलिटिक्स के बारे में? नहीं नहीं, हमारी ऐसी नहीं होती। कब चाय निकालो, प्याला होटल पर जाके बैठो, पराठे खाओ, एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स। हाँ, एक ही चीज है आप लोगों के पास। हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है। इतनी हमारे पास गॉसिप बहुत है। इतनी ड्रैगेटरी नजर थी इनकी अभी ना, कहने बस एक ही चीज है आप लोगों के पास, कुछ नहीं है। एक टेलीफोन कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। नो, बट आई थिंक वुमेन आर मोर प्रोडक्टिव। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर भाई, मैं आपसे पहली बार लाइव शो में बात कर रही हूँ। थैंक यू। मुझे आपका शो आज का बहुत अच्छा लगा है। आपने जो पहले गाना चला था वो भी बहुत अच्छा था, जो दूसरा सॉन्ग चला था वो भी, और हमारे शहर गुजरावाला का भी बहुत मौसम अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं।
थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती थी मैं आपसे, आज जो शो लगाया मैंने ऑन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपसे बात करने की ये बेताब हो रही थी आपसे बात की. चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आसिया परवीन फ्रॉम गुजरांवाला, थैंक यू सो वेरी मच. सो हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी की ना. सो आपकी पार्टीज होती हैं जहाँ पर आप मतलब इस तरह से होता है, फ्रेंड्स होते हैं हम लोग आपस में, एजुकेशन के हवाले से, ब्यूटी के हवाले से, बहुत सारे. आपने कौन सा क्रेजी फैशन किया, सबसे क्रेजी फैशन व्हिच यू हैव डन योरसेल्फ? नहीं, ऐसा कोई क्रेजी नहीं किया, ज़्यादा नॉर्मल ही होता है. मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी कोई ऐसी चीज़ें करती ही नहीं हूँ. अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल पे रहती हूँ. नॉर्मल पे रहती आप? मैंने एक दफ़ा अपने कॉलेज लाइफ में अपने यहाँ से बैंग्स खुद ही कट कर लिए. बड़ी कॉमन चीज़ है, आई फेस दैट ऑल द टाइम. छोटी बच्चियाँ भी मतलब इससे क्या होता है, वो अपने आप को बहुत बड़े हेडड्रेसर समझते हैं और वो अपना बैंग पकड़ के चिपका देते हैं. दे डोंट रियलाइज कि ये ऐसे सीन हमारे पास सैलून में बहुत आते हैं. अब तो एक अलग चीज है, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में होते हैं ना तो वो समझते हैं. अभी भी है, अभी भी सैलून में बच्चे. अगर मोबाइल फोन कहीं दुनिया से गायब हो जाए तो फिर हम सब क्या करेंगे? I just want to know. ऐसे बैठे होंगे, बहुत रिलैक्स होंगे, बहुत सुकून से बैठे होंगे. I'm telling you, वो अभी आप. There's no life without phone. हाँ? There's no life without phone. There's life, ma'am. There's life. There's life without phone. Absolute life without phone. हमने तो बड़ा खूबसूरत बचपन. हमने अब एक dependent हो गए ना बहुत ज़्यादा phone पर. I think you're right. But पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि phone जो है ना बहुत बड़ी hindrance है हर चीज़ के. Hindrance है, of course. मैं उस दिन सोच रहा था गाड़ी चलाते हुए कि यार पहले ना हमारे पास phones नहीं थे, हम फेसबुक पे नहीं थे. हाँ. लेकिन अब सबको जानते थे. We were more connected, I guess. और अब हमारे पास फोन्स हैं, व्हाट्सएप है, हर चीज़ है, येट हम किसी को नहीं जानते. बिल्कुल एग्जैक्टली. हम इतनी सारी एप्स हैं इसके बावजूद हम किसी को नहीं जानते. बिल्कुल. सो यू कट योर बैंग्स? हाँ. ओके. और मैं बहुत बुरी लग रही थी, इंतहाई बुरी लग रही थी कि मैं वो वाली पिक्चर्स जो है ना इन लोगों को, मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ मुझे नहीं भेजा करो और जो है वो भी फाड़ दो. प्लीज़ एक बात मुझे समझा दें, ये 50 बार क्यों तस्वीर ली जाती है? वो एक ही मतलब वाई एंगल तो वही होता है, वही आप होते हो. उस 50 में से आपको पता नहीं है दो अच्छी आती हैं. सब एक जैसी होती हैं ऑनेस्टली, वो सारी तस्वीरें एक जैसी लग रही होती हैं. वो एंगल, एक एंगल होता है लड़कियों का, आई थिंक एक साइड होता है, एक एंगल होता है. अच्छा, वो आना मस्त है. आई टेक ओनली 4-5 पिक्चर्स, उसी में से एक दो बस सिलेक्ट कर लेती हूं. हां, ये तो है. ओके जी, व्हाट इज योर क्रेजी पैशन? आई पियर्स्ड माय नेल्स व्हेन आई वाज यंग. योर नेल? या आई पियर्स्ड माय नेल, और उसमें मैंने बाली पहनी थी विद अ ब्लैक नेल कलर, आई रिमेंबर, इन स्कूल डेज. इसके अंदर मतलब यहां से गुजार दिया तब वो फैशन था. ये गुजारना फैशन था? या अभी भी पियर्स करते हैं? अभी भी करते हैं, बट नेल करते हैं अंदर, उंगली भी होती है? नहीं नहीं, नेल्स के टिप पे, बिल्कुल टेल का जो टिप है उसको नेल नेल नेल. अच्छा, नेल जो बढ़ा के आप ऐसे करो? जी जी. मैं समझा कोई एकदम से यूं उंगली से घुसा के यहां पर बाली पहनी. नहीं नहीं, तो उस तरह से तो शहर लोग अपनी टंग पियर्स करते हैं, वो प्रेसिंग वाला. अच्छा, जब कोई आप ब्रेक ले लो जी, उसके बाद क्रेजी फैशन की बात करते हैं. ब्रेक. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए. ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में जूनी, ना कुछ मेरे बस में. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए. Thank you.
पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है जैसे सागर में लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे से निगाह रुकती है। रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं तेरी याद में सब को भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में झूली ना कुछ मेरे बस में। करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। अच्छा तो वेट को मेंटेन कैसे किया जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है, क्या खाया जाए, इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाए, पोर्शन कंट्रोल किया जाए, कुछ दवाएं खाई जाएं, सप्लीमेंट्स लिए जाएं? देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। जाहिर है जिनका टारगेट ओबेसिटी होती है ना, मॉर्बिड ओबेसिटी, उनको तो फिर हम इवेंचुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पहले कुछ महीने और फिर उसके बाद दे कैन गो फॉर सर्जरी, वेट लॉस सर्जरीज या वेट लॉस इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं सीखेंगे कोई फायदा अच्छा नहीं। हमारा दिल क्या चाहता है कि हम सब कुछ खाएं और बिल्कुल ठीक रहें, ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं ह्यूमन बॉडी में कि अगर आप इवन एक फिटनेस ट्रेनर भी अगर सब कुछ खाएगा और बैठा रहेगा तो उसका भी गेन हो जाएगा इवेंचुअली। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं वेट लॉस के लिए, ऑब्वियसली वो ओबीस होते हैं कि वो फिर हमारे डोमेन से बाहर हो जाता है। तो जो लोग बेरियाटिक सर्जरी जो है अगर वो करते हैं तो उसके दे हैव अ कॉन्सेप्ट और व्हिच आई थिंक इज वेल कि देयर मेजर साइड इफेक्ट्स टू इट, इज दैट ट्रू? दैट्स ट्रू। और हमारे हॉस्पिटल में बहुत बेरियाटिक सर्जरीज बहुत होती हैं, आई लुक आफ्टर दोज थिंग्स। बट ये है कि दो तरह की होती हैं बेसिकली, एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, बाईपास होता है। गैस्ट्रिक स्लीव में वेट गेन के ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज आप रिवर्ट बैक करते हैं। यस, उसमें जो गेन बैक है एक डेढ़ साल में लोगों का अक्सर आ जाता है। वही बात आ गई कि अगर वो वेट लॉस आप मुहक्किकीन से मैं एक बात गुजारिश करूँ, किसी को नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हो।
कसम खुदा की, ये तो मेरे को तो फिर भी पता है क्योंकि मैंने एक दफा ये सोचा था कि मैं अपना ये करवाऊंगा, पर हाँ एक दफा मैंने सोचा था, मैं जब डॉक्टर के पास गया उसने मुझे बोला आपको मेरी नहीं दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। कुछ लोगों को क्या करते हैं उसमें आपके मैदे का 70% पार्ट निकाल देते हैं, ठीक है, और इसको एक आपकी अस्थि, एक सवाल है जी जी, आप लोग हमारे पॉलिटिशियंस का निकाल सकते हैं? आएंगे तो वो मैदे का 70, मैं कहता हूँ उनका 10% भी निकालो पाकिस्तान बच जाएगा, 10% निकाल दें सिर्फ ओनली। Yes, please. तो जो 70% पार्ट निकाल दिया अब वो छोटा सा पाउच बन गया स्टमक। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि वॉल्यूम क्रिएट कर दें, कम वॉल्यूम में खाना जाए। अच्छा, तो जब कैलोरी डेफिसिट होता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, श्योर श्योर, और ये कोई फनी कोई मैं बात नहीं करने जा रहा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये करवाते हुए देखा है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी देखे बिल्कुल। अच्छा, स्किन सैग हो जाती है आप, और ये तो मैंने अपने पर्सनली देखा है, मेरे अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों ने करवाया, स्किन आपकी लटकने लगती है, सैग होने लगती है, एजिंग आप पे बहुत जल्दी जल्दी आती है, आपके बाल जो है वो गिर जाते हैं। तो एक बात मैं बता दूं आपको, ये बात याद रखिए, आप अपना स्टमक छोटा करवा रहे हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट वही है। Exactly. तो जब आप खाते हो ना तो वो एक्चुअली नहीं लग रहा होता, तो आपके बाल शाल तो गुड बाय कर दो आप उनको। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, वेट भी कम हो रहा है लेकिन साथ साथ आपका जो डाइटिशियंस के साथ न्यूट्रिशन के साथ रेगुलर चेकअप है वो बहुत ज़रूरी है, आपके जो ब्लड वर्क्स हैं वो बहुत रेगुलर हमें कराने होते हैं, विटामिन डी, B12 डेफिशिएंसी, आयरन, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और अभी हमें ये नहीं पता कि आगे जाके व्हेन दे विल रीच लाइक 50s, 60s, 70s तब इनकी बोन हेल्थ कैसी हो जाएगी, बिकॉज नॉर्मली भी खवातीन की और मेल्स में भी बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है नॉर्मल एडल्ट में भी। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है साहिल भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कैसी हैं आप? मैमुना जी, अल्लाह का शुक्र, पहली दफा आपके शो में कॉल कर रही हूं। थैंक यू मैमुना। एंड अभी करती रहूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, आपका शो बहुत अच्छा है भाई। आपने स्किन के बारे में पूछना था, जैसे ना मुझे शुगर है ना और ब्लड प्रेशर का भी इशू है, तो फिर ना ऐसे स्किन ठीक है, नॉर्मल है, दाने वगैरह कुछ भी नहीं है, हाँ। थोड़ी सी धूल हो रही है ना, उसके लिए अगर कुछ है तो बता दें जी। बेहतर, मैं आप तीनों से पूछ लेता हूँ। 36 साल की हूँ। 31 साल की आपने कहा? 36 और एक मेरी बहन है उसका नाम है कोका बतूर, उसके थोड़ी सी झूरिया है, उसका भी इसके बारे में कुछ बता दें। और आप ये भी कहना था जैसे अगस्त का महीना है, एक मिली नगमा भी दे दिया, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वो भी सुना दिया करें हमें। बेहतर बेहतर बेहतर, थैंक यू, थैंक यू जी। स्किन, इनकी जो बहन है उसकी एज तो मुझे नहीं पता जिनको झुरियाँ हैं, लेकिन जो आप हैं यू इशू 36, ठीक है, और इनका इशू था कि कोई ड्राई वो नहीं है, एक्नी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्किन लूज हो रही है। तो अगेन जो रीज़न ये है कि आप शायद स्किन केयर प्रॉपर नहीं कर रही हैं, नॉट इन सेंस कि आप स्किन का ख्याल नहीं रखें, लेकिन आप वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करी होंगी जिससे एजिंग रुकेगी या कम होगी, स्लो डाउन होगी, आपको वो चीज़ें इस्तेमाल करनी ज़रूरी हैं। अगर आप सीरम्स और क्रीम्स की तरफ नहीं जा सकती तो घरेलू टूटके कर लें, वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, इनको बहुत सारे पता हैं, ये आपको बताएंगे ही इज़ फुल ऑफ देम, वो आपको बताएंगे, उमेरा हिल बताएंगी। बट आपको बेसिकली कोई भी एंटी एजिंग सीरम्स या फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है जिस पर लिखा हुआ हो कि वो आपको एंटी एज करेंगे, स्पेशली रेटिनॉल बहुत ज़रूरी है, उसका इस्तेमाल किस तरह करना है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, कम परसेंटेज से, मैंने पहले भी मेंशन किया, कम परसेंटेज और वंस अ वीक से स्टार्ट करके आप उसको बढ़ाते जाते हैं, वंस अ वीक, फिर ट्वाइस अ वीक, फिर थ्राइस अ वीक, एकदम लगाएंगे रोज़ कि मैं इसे यंग हो जाऊँगी, आप यंग नहीं होंगे, आपके मुँह पर दाने निकलेंगे। तो प्लीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसको इस्तेमाल कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से स्किन बेहतर हो जाएगी। और ऑब्वियसली एग वाइट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्या अंडे की सफ़ेदी, हाँ अंडे की सफ़ेदी बहुत अच्छी है, उसको फेंटें मुंह पे लगाएं, इट्स उससे बड़ी अच्छा एक इफेक्ट आता है, आपकी स्किन टाइट होगी, यू विल फील बेटर। बाकी शी लेट यू नो, रिसेंटली इन्होंने अभी अगर वेट लूज किया है तो मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन के इनकी स्किन जो बहुत ज्यादा लूज हो रही है, हो सकता है कि शी इज 36, इन्होंने अभी शी मेंशन शी इज डायबिटिक, तो वो डायबिटीज इज अ मेजर, इसमें भी फ्लक्चुएट होता रहता है, इट्स अ मेजर कंसर्न हियर, तो शी नीड्स टू यूज सीरम्स टू कीप देम इंटैक्ट। अच्छा देखिए, सीरम्स लगाने हैं, ये सब चीजें करने से कि हमारे लोग समझते हैं अगर हम एक कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं एक हफ्ते में जवान हो जाएंगे,
स्किन आपकी मज़ीद रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन मज़ीद लूज़ नहीं होगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए जो भी चीज़ उसको लगाना शुरू करें, लेकिन कॉलेजन खाना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, इसलिए कि वो रिक्वायरमेंट होती है स्किन की, और उसके लिए सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। सप्लीमेंट्स ना हो तो यखनी बना के, बकरी की हड्डियों की यखनी बेस्ट कॉलेजन है, वो खूब बना के उसको खाने में डाल के इस्तेमाल कर लें, उसके अंदर खाना पका लें या वो पीना शुरू कर दें, तो वो भी इनकी स्किन को बेहतर करता करना शुरू कर देगा, भी बालों को भी बहुत बेहतर करता है। और लगाने के लिए जैसे अभी लाइबा ने बताया, आप ये तमाम चीज़ें आप लगाइए, सीरम्स लगा सकती हैं, क्रीम्स लगा सकती हैं, स्किन को ड्राई नहीं होने देना है। नॉर्मली होता है कि जी हम कुछ नहीं लगाते, बेसन से मुँह धो लिया, स्किन ड्राई होते होते फिर वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। देखिए सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि जितना मॉइस्चराइज रखेंगे आप अपनी स्किन को, एजिंग उतना ही डिले हो जाएगा। एजिंग को आप डिफाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट। और आपका हैक? जी आपका हैक मैं ब्रेक के बाद बताता हूँ अपना हैक। हाँ, मैं डॉक्टर साहिब भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। All right then, once again, Assalamu alaikum, Angie, how are you? Assalamu alaikum. What are we doing today? We're just giving her a very, very soft makeup. There you go. जो हम बिल्कुल इनके features को enhance करने के लिए करेंगे, बहुत ज़्यादा color हम use नहीं करेंगे, बहुत neutral shades रखेंगे. Something like no makeup, लेकिन there is going to be makeup. Like हम contour भी करेंगे, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा. That's a beautiful sentence, you know. There's not going to be, you know, any makeup, but there's going to be makeup. But there's going to be makeup. Okay. No makeup ka maksad ye nahi hai. So no makeup look hai ji, no makeup look hai, to please understand this. Lekin makeup pura hota hai, kaam pura hota hai. Kaam pura hota hai, kaam pura. Haan ji, kaam pura hota hai. Hamara ek colleague hai, wo yehi kehta hai ki ma'am, aisa nahi hai ki wahan ja ke kuch karna nahi hoga. Ye sare jo actresses hain, ye kaam pura chahti hain, magar chahti hain nazar na aaye. All right then. So I have no idea why, but that's okay. Okay. To look natural. Again, I don't want to understand life. It's fine. Good. Whatever makes you happy, just do it. Sahi. Yeah. So, humne skin ko thoda sa prep pehle se kiya hua hai. I never could understand kya product ka naam change karne se product bhi change ho jati hai. I don't know. What are we doing? Apne aap ko tasalliyan de rahe hum. To de le tasalliyan. Ji. To humne skin ko prep kar liya pehle. Ji ji kar liya. Break mein. Aur bas ab hum isko base lagayenge. Haan. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा हम अप्लाई करें, सो वी गोइंग टू कीप इट वेरी वेरी नेचुरल। थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे फाउंडेशंस। ओके, डू आई नीड टू टेल व्हाट आई एम यूजिंग? यस। ओके, मतलब वैसे आप बता दीजिएगा, ब्रांड नहीं बताइएगा। अच्छा ठीक है, वैसे बता दीजिए सो दैट जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम सीख लें। मैं ये लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। ओके, दो शेड्स में ब्लेंड कर रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करना, इसके बाद मैं फाइनल टचेस दूंगा। वो परेशान हो गए, उन्होंने ठीक है क्या होगा, मतलब अगर भाई ने दिए तो क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ये नहीं, काम नहीं, भाई ऐसे हैं कि जो काम भाई भाई ऐसे हैं कि जो भी काम करते हैं बड़े दिल से करते हैं। अभी भाई एक और काम करने जा रहे हैं। भाई PhD कर रहे हैं, वैसे जिनको नहीं मालूम उनको पता होना चाहिए दैट साहिर इज। अच्छा मैं आपको सच बताऊँ, मेरे ना लोग भी हैरान होते हैं जिनके साथ मैं पढ़ रहा हूँ, वो हैरान होते हैं कि यू नो तुमने इसको एक जोक बनाया हुआ, एक मजाक बनाया हुआ। अच्छा इट्स इन एस्ट्रोफिजिक्स, तो अच्छा कैलकुलेशन समथिंग जो मेरे उतरती हैं, मतलब खुद ही आती हैं जी। आई डोंट हैव टू स्ट्रगल विद इट, मतलब जैसे शायरी है जो मुझे समझ आ जाती है, इसी तरह से इक्वेशंस हैं जो मुझे समझ में आती है, कैलकुलेशन समझ आ जाती है। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मेकअप समझ नहीं आता, आज तक नहीं आया मुझे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं आया। वरना फिर ये कॉल्स ना आ रही होती है कि कैसे क्वालिफाइड ब्यूटिशियन का पता चलेगा या मेकअप आर्टिस्ट का पता चलेगा, लोग सीधा आप ही के पास आते हैं। दैट्स ट्रू। अच्छा सो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको ब्लेंड कर रहे हैं? जी ब्लेंड कर रहे हैं। ओके, मैं कोशिश करती हूं। अच्छा ये बताइए कितना लेना चाहिए फाउंडेशन? बहुत हल्का, बहुत हल्का। कोई भी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एंड देन यू बिल्ड ऑन। ओके, तो आपको फिर उससे अंदाजा होता है, कंट्रोल रहता है आपका। एंड डिफरेंट साइज के ब्रशेज हैं मेरे पास फाउंडेशन वाले, जिनके साथ मैं अब ये मैं दोनों कलर्स मिक्स कर रही हूँ। अच्छा आपने दो फाउंडेशन यूज किए? जी। व्हाई? इनके कम्प्लेक्शन के हिसाब से। ओके, कलर बनाने के लिए। ओके, अच्छा हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज है कि
जो आपका कलर होता है उसके हिसाब से फाउंडेशन यूज नहीं करते, हमारे यहाँ अक्सर 6 शेड लाइटर जाते हैं। बट व्हाई? बिकॉज़ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है साहिर कि हम सब गोरे लगना चाहते हैं। ओके, सो हियर इज माय क्वेश्चन एंड प्लीज इन ऑल ऑनेस्टी ये मेरा जेन्युइन एक सवाल है। सो जब मेकअप धुलेगा तो भी तो आपका असल चेहरा नजर आएगा। आई मीन व्हाई डू ऑल दिस? जस्ट फील ब्यूटीफुल इन योर स्किन। आपका बेस सही नहीं होता तो आपका सिलेक्शन गलत होती है, तो आपका बेस ग्रे हो जाता है, आपका फेस के ऊपर डल हो जाता है। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एनजी बात करी है, 6 शेड। प्लीज मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो भी आपकी अपनी स्किन है जस्ट फील ब्यूटीफुल इन इट, दैट्स इट। जो आपका कलर है उससे खूबसूरत। एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आई वेंट थ्रू अ ट्रॉमा इन नवंबर और ये जो आप मेरी नाक देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। दिस इज लाइक सोलन, आप देख सकते हैं, ऐसे तो पहले नहीं थी ना, तो अंदर इसके पूरे यहाँ, इट्स यहाँ से इसके यहाँ से यहाँ तक ये नाक जो है वो जुड़ी हुई है और टांके लगे हुए हैं, और अभी इसकी एक सर्जरी बाकी है, वो एक्चुअली दो बाकी हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ दी है उस पर खुदा का शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एंड डोंट गो लाइट शाइट, सब अच्छा है यार, कोई जो शेड भी इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। ऑलराइट, प्लीज़ कंटिन्यू। अब हमने इनका जो अंडर आई है उसको थोड़ा सा मैंने टैपिंग के साथ किया, एंड अगेन हम इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे। आपके जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर पे मेकअप कर रहे हैं या प्रोफेशनली कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो ये कहते हैं कि हाथ से लगाया करें बेस। मुझे मजा नहीं आता। आपको मजा नहीं आता? आई थिंक लगा सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड आपने अपने हाथ सही से सैनिटाइज किए हुए। लेकिन समहाउ कोविड के बाद से थोड़ा सा अब लोग हेजिटेंट होते हैं। ऑब्वियसली जाहिर है। आप लोग अपना मेकअप खुद करते हैं? आप खुद करती हैं मेकअप? जी बिल्कुल। आप जुनैरा खुद करती हैं? ओके, एंड यू? खुद ही करती हैं? आज आप लोगों ने खुद ही किया अपना मेकअप? मैं शूट्स पे भी खुद करती हूँ। शूट्स पे भी खुद ही करती हैं? नहीं, आज तो नहीं किया। आज नहीं किया? ओके, आज नहीं किया। ऑल दीज आर क्रेजी फैशंस मैन, दे आर नॉट क्रेजी फैशन, दे आर डीसेंट। कौन से वाले? ये तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन भी तकरीबन एक ही जैसी लग रही है। फंकी मेकअप डालें आप। फंकी मेकअप लिखिए, फंकी मेकअप लिखिए। ओके, अब हम सिर्फ हल्का सा पाउडर कर रहे हैं टू सेट द फाउंडेशन। ये यंग है इसलिए इनको बहुत ज्यादा हम कुछ लगा भी नहीं रहे हैं। okay. अगर थोड़ी सी मेच्योर स्किन होती है तो नो मेकअप लुक के लिए भी आपको फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी करना होता है, तो वो विद द ब्लेंडिंग एंड विद द टाइम, जैसे एक दो घंटे के बाद आपकी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब करती है उसको, मेकअप को एब्जॉर्ब करती है। नेचुरल ऑयल्स जब आपके सिक्रीट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड से, तो वो फिर उसको और नेचुरल कर देता है, ब्लेंड हो जाता है मेकअप। जैसे अक्सर जब हम मॉडल्स का या एक्ट्रेसेस का मेकअप कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाती है, नहीं 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 बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम शूट पे होते हैं या फोटोग्राफी के लिए जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा बेस जो है उसको थोड़ा सा हैवी करना होता है। लाइट का बहुत असर होता है। लाइट का बहुत असर। अच्छा, क्या ड्रेस को देख के मेकअप किया जाता है? बिल्कुल। या मेकअप को देख के ड्रेस पहना जाता है? दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपका बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेस है तो आप इतना ज़्यादा कलरफुल मेकअप तो नहीं करेंगे। और अगर आपके पास राजा है तो फिर राजा बताता है कि आपको पहनना क्या है। जी, और हर रोज़ अल्लाह ताला उसका भला करे, वो वही जो 5 शर्ट्स हैं वो निकाल के मुझे दे देता है, भाई ये पहननी है आपने, और मैं वही पहन लेता हूँ। वेरी गुड, सीरियसली मेक्स लाइफ इजी फॉर हिम एंड फॉर यू। दोनों की जिंदगी बहुत आसान है, बहुत आसान। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ये 2-3 हज़ार शर्ट्स जो रखी हुई हैं इसको क्या बेचोगे मेरे बाद, तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। अब क्या कर रही हैं आप? अब मैं हल्का सा बड़ा नेचुरल पिंक, पीची पिंक आईज पे लगा रही हूँ। राइट, पीची पिंक। पीची पिंक, देयर इज अ कलर कॉल्ड पीची पिंक। यस, ओके। ना वो पीच है ना वो पिंक है। एब्सोल्युटली मैम, यू कैन कम अप विद एनीथिंग यू वांट। पीची पिंक, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सटल है जी, बहुत सटल है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अभी लग भी रहा है कि मेकअप हो रहा है, बट देन एट द सेम टाइम थोड़ा पानी चाहिए प्लीज। पीने के लिए? नहीं, मेकअप के लिए। मेकअप के लिए? ओ ओ, मैं मेकअप को ब्लेंड करती हूँ पानी के साथ। ओ वाओ जी। अच्छा, ये कैसे? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ऑलराइट, स्प्रे नहीं लगाया जा सकता?
लगाया जा सकता है, पर हेयर स्प्रे तो नहीं लगाया जा सकता, पानी का स्प्रे, पानी का स्प्रे हो सकता है ना। हाँ, ये पानी दे दीजिए। हाँ, दैट्स इट, दैट्स इट। इसको खोल के दे दें तो मैं इसको थोड़ा सा लाई, मैं खोल देता जी। पाए ओके जी, इसके अंदर डाल दो। हाँ, इसी में डाल दीजिए। लेट्स सी, आई कैन असिस्ट यू। या या या, आई एम टेलिंग यू। Yeah? कि शुक्र है आप इस प्रोफेशन में आए, नहीं वरना बड़ा मसला हो जाता हमारे। Seriously? मैं सोच रहा हूं इसमें भी, उप, सब, सब, इसमें भी आ जाता हूं। अच्छा, एक आध तो सलून मैं भी खोल ही लूंगा। ये देखिए, ये मैंने अब नाइस। I see the difference. Yes, yes, absolutely. वो जो एक पाउडरी इफेक्ट आता yeah, है या वो खत्म हो गया। ओह वाओ, अच्छा फिर और आई थिंक ये सेटल भी हो जाएगा जी विद टाइम। और जब हम इसको फोटोग्राफ करेंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। मरियम, काम कीजिए, कुछ कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मैं नबीला, साहिर भाई से बात करनी है। आज का टॉपिक है जो उन्होंने सीधा कह दिया, मुझे साहिर भाई से बात करनी है। ऑलराइट जी, साहिर भाई इज हियर। अस्सलाम वालेकुम नबीला, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र भाई मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, आपका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। थैंक यू बहुत बहुत। जैसे मैंने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि मेरी कॉल अच्छे से चले। थैंक यू, थैंक यू। सब मेहमानों को सलाम मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी नबीला। जी जी भाई, मुझे आपका नंबर चाहिए था, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज आप अपनी टीम से कह दें मुझे आपका नंबर चाहिए। मेरा नंबर तो किसी के पास है, वो जुमे के बाद बटता है मस्जिद में, आप ले लीजिएगा किसी से भी मेरा, प्लीज इनको नंबर दे दें, राजा का नंबर दे दीजिए। कुछ काम है आपको नबीला? जी जी भाई, ये फिर आपकी टीम दे देगी ना नंबर? जी बिल्कुल दे देगी, बिल्कुल दे देगी, कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दैट्स इट, वी डन? या बिकॉज़ नो मेकअप लुक है ना, तो आईज तो ऑलमोस्ट डन हो गए। बट आपने तो ये 10-8 मिनट में, 15 मिनट में कर दिया पूरा। Wow. See. तो I mean, there's no lip gloss or anything. नहीं, वो हम करेंगे। अच्छा, okay. जी जी. Eyes are almost done. What about the hairdo and all? अच्छा, hairdo भी हम करेंगे। अच्छा, अभी हम ऐसा करेंगे। नहीं, अभी मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, okay. I'm just asking. No. See now, एक दफा फिर हम skin को blend करेंगे। अच्छा. What I do is normally मैंने अभी foundation इतना लगाया है base जिसको आप आम जुबान में कहते हैं। अगर मुझे feel होगा eyes करने के बाद, पूरा makeup complete करने के बाद, क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा powdering नहीं की है, if I feel कि मुझे patchy लग रहा है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो I will add on a little bit more, then I will add the shimmer। तो मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा makeup add on करती रहती हूँ। eyes पे देखिए अभी बिल्कुल ये no makeup look है, लेकिन still the eyes are nice, peachy. It does natural look आ रहा है। अच्छा, and then you're not doing the eyelashes and all? Eyelashes नहीं मैं करूँगी, मैं सिर्फ इसमें, हम कर भी सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन वो फिर no makeup look नहीं रहेगा। Okay. उसमें obvious हो जाएगा। इसमें अगर हम heavy mascara कर देंगे तो there will be no makeup look. First I will show you that and then फिर उसके अंदर मैं lashes add करके आपको। Okay, done. अच्छा, दूसरी चीज ये है साहिर कि जब हम नो मेकअप लुक करते हैं ना, तो हम लाइनर नहीं करते। लाइनर नहीं करते? नहीं करते। Why? अगर हम लाइनर कर, क्योंकि वो तो फिर मेकअप नजर आता है। ओके, ओके। बहुत, तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज कि मैं फिर बहुत हल्का सा आईलाइनर की जगह पे आई शेडो लेती हूँ और बिल्कुल जो लिड है ये लैश लाइन जो है। So here's my question. Yeah. And please माफ कीजिएगा अगर if I sound really silly. बट इसकी जरूरत क्या होती है आईलाइनर की? व्हाट डज इट डू? एनहांस करता है आई को, बड़ा करता है जी। ओके, एनहांस करता है, शेप शेप देता है उसको, अदरवाइज आंख जो है बुझी बुझी सी लगती है। हमारी बुझी भी लग रही है। ओके सही है। नहीं आप तो माशाल्लाह फैमिली आपकी ब्लेस्ड है, यू गाइस आर ब्यूटीफुल आईज। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन लिया है और बिल्कुल जो लैश लाइन है उसके ऊपर मैंने ये Alright, जी, once again, welcome back. And बातें हो रही हैं जी स्किन केयर के बारे में, वेट लॉस के बारे में, रेमेडीज के बारे में, हैक्स के बारे में। और इससे मैं हैक बता दूं, मैं जो करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। इन दिनों मैंने नया नया शुरू किया, मैं थोड़ा सा ऑयल लेता हूँ रात को, आर्गन ऑयल, और उसको अपने चेहरे पर लगा लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक चमक रहा होता हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि मतलब आप मुझे देख के ना पॉलिश कर लो मेरे चेहरे पर, ऐसा चमक रहा होता हूँ मैं। कौन सा ऑयल? आर्गन ऑयल। कोई भी, अच्छा मैं सरसों का भी लगा सकता हूँ, मेरे पे मत जाइएगा,
मैं जेन्युइनली हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आप हैक्स ना बताएं, इट्स फाइन, आर्गन ऑयल तक ठीक था, सरसों का ऑयल अगेन बोला नहीं है लेकिन सबको सूट नहीं करता, देखिए सबको सूट नहीं करता, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ आर्गन ऑयल का बता रहा हूँ, तो आप वो ले लीजिए और वो आप रात को थोड़ा सा 2-3 कतरे आप उसके लगा के और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उसको लगा लीजिए, सुबह उठ के प्लीज अंडरस्टैंड सुबह उठ के आपने एक काम जरूर करना है, गेट अबाउट कपल ऑफ आइस, ऐसे इतने बड़े बड़े बर्फ जो होते हैं, और उसको 2-3 मिनट तक जैसे अप्लाई ऑन योर फेस एंड लीव इट, अप्लाई कुछ फ़ौरन कुछ नहीं करना, फ़ौरन अपना मुंह नहीं धोना, उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें अपने चेहरे को, उसके बाद आपने उसको साफ़ किया, अगर आप कोई बहुत माइल्ड सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो लगा लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फेस वॉश लगा मैं चूँकि मुझे आदत है क्लीननेस की तो मैं लगाता हूँ, लेकिन कम से कम आपने 5 मिनट तक अपने फेस को रेस्ट देना है, और जैसे ही आप वो लगाएं तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, कोई किसी भी चीज़ से मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें, देखें याद रखिएगा जितनी जल्द आपकी मॉइस्चराइज होगी उतना ज़्यादा आपकी एजिंग में डिले आएगा, एजिंग को आप डिफाई कभी नहीं कर सकते, यू विल नेवर बी एबल टू डिफाई एजिंग, एटलीस्ट नाउ 2029 में कहा जा रहा है कि एक पिल आएगी जो आपको 30 साल पीछे ले जाएगी, बट येट यू नो कौन वेरी प्राउड ऑफ यू व्हाई बिकॉज ये मॉइस्चराइजिंग पे इतना एम्फसाइज आप पहले नहीं करते थे व्हेन आई केम टू द शो, तो आप कहते थे अच्छा इतना ज़रूरी है, आई डोंट डू एनी ऑफ दिस, मैं तो सिर्फ मुंह धोता हूँ 5 इन 1 से और मैं आ जाता हूँ, अभी तो फेस वॉश भी मेंशन किया आपने, मॉइस्चराइजर भी मेंशन किया, मैंने मेंशन किया ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ खुद कह रहा हूँ, मेरी किसी भी चीज़ को फॉलो मत कीजिएगा, आई कैन बी अप फॉर 5 नाइट स्ट्रेट एंड आई कैन स्टिल बी फंक्शन, सो प्लीज मेक श्योर मुझे फॉलो, लेकिन हाँ मैंने मॉइस्चराइज करना शुरू किया है, मैंने लगाना शुरू किया है, एंड मैंने थैंक यू सनब्लॉक ऑफ कोर्स सनब्लॉक नहीं अभी सनब्लॉक पे नहीं आया हूँ मैं अभी सनब्लॉक पे आपका सनब्लॉक खुद बहुत अच्छा है हाँ और मैं बता रहा हूँ यस हमारा सनब्लॉक दुनिया में सबसे अच्छा यस दुनिया में सबसे अच्छा आप लोगों को हंसना हंस लो बट दुनिया में सबसे अच्छा मेरा सनब्लॉक है अच्छा ठीक है लेट्स टेक अ फोन कॉल अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है साहिब भाई ठीक है आप बहुत अच्छा आप बताएं आप कैसी हैं अल्लाह का शुक्र साहिब भाई मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है मेरी कॉल मिल गई है मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आपकी कॉल मिल गई मेरी तो फिंगर थक गई थी मैंने कहा आज मिला के छोड़नी है जो मर्जी हो जाए आई नो अच्छा ये बताइए कि क्या कहना चाहती हैं आप ना ये आइस के नीचे ना ज्वेलरियाँ हैं तो वो स्माइल करूँ या ना करूँ बड़ी नुमाया होती हैं आइस के नीचे आपकी झुर्रियाँ हैं हाँ जी एज भी नहीं इतनी 45 है लेकिन ज्वेलरियाँ स्माइल करने के बगैर भी बहुत ज्यादा है ओके तो इसका कोई हाल बता दें आप बताना है हाल किसने बताना है आपने पहले इन लोगों से तो सुन ले नहीं, नहीं, अब आप ही बताएं नो प्लीज नहीं नहीं इन लोगों से सुनिए फिर मैं बता देता हूँ इन लोगों से सुनिए पहले सुनिए जी ठीक है आप बताएं सबसे पहले कि एज 45 हो गई है आपको कॉलेजन इस्तेमाल करना है आपको 45 से पहले भी थी ये तो आपको okay. पहले तो स्माइल करने से आती थी लेकिन अब स्माइल के बगैर भी आ जाती है चलें ठीक है अब आप ऐसा कीजिए कि आप जो है हाइलुरोनिक एसिड लगाना शुरू कीजिए विटामिन ई ऑयल थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लीजिए उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए थोड़ा थोड़ा सा इसको बना के रख लीजिए रात को सोते वक्त आपने अच्छी तरह से अराउंड आई मसाज करना है इसका और उसके बाद छोड़ देंगे आप एक्सेस जो ऑयल होगा उसको साफ कर दें और सुबह उठ के अपना जो है फेस वॉश करने के बाद आपने लाजमी उसके ऊपर आई सीरम्स आते हैं आई क्रीम्स आती हैं कुछ भी नहीं है तो नारियल का तेल ज़रा सा लगाना है उस जगह को आप ड्राई नहीं छोड़ेंगे बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आप करवा सकते हैं लेकिन जो भी बात हो रही थी कि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मोस्टली होता है कि अंडर अराउंड आई की स्किन बहुत डेलिकेट होती है तो जल्दी पतली होती है और रिंकल्स आना शुरू हो जाती है तो आप जितना विटामिन ई लगाएंगी उतनी ही स्किन अच्छी होती जाएगी आपको खुद अंदाजा होगा कि बहुत बेहतर हो गई है जो झुर्रियाँ हैं वो उनकी मतलब गायब होना शुरू हो जाएंगी इन टाइम लेती हैं जाना बिल्कुल हाँ डोंट एक्सपेक्ट और उन्होंने बहुत अच्छा बताया लेकिन ये नहीं कि वो ओवरनाइट ठीक हो जाएंगी उसमें टाइम लगेगा मेरा एक क्वेश्चन है आपने कभी कोई क्रीम्स इस्तेमाल की है फेस पे पहले नहीं थी करती लेकिन आप करती हैं कौन सी करती हैं ये पेट्रोलियम जेली इस तरह की क्रीमें रात में पेट्रोलियम जेली तो ठीक है इसके अलावा कोई आपने क्रीम्स इस्तेमाल की हैं नहीं बहुत कम यूज़ करती हूँ क्रीम अच्छा क्योंकि कुछ क्रीम्स हैं जो स्किन पतली कर देती हैं वो आंखों के नीचे मजीद पतली हो जाती है तो फिर रिंकल्स हो जाते हैं तो मैं ड्राई स्किन है ना जिसकी वजह से ड्राई स्किन है ठीक है तो फिर उसको मॉइस्चराइजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरह मैंने मेंशन किया हाइलुरोनिक एसिड या कोई भी प्रोडक्ट आप लें जिसमें कैफीन बेस्ड हो वो कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट्स आपकी अंडर आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं अच्छा एक चीज मैं अगर आप कहें तो मैं बता दूं आप ही नहीं बतानी थी हम तो ऐसे भी जरूर मुझे मशवरा देना है जी मैं बता रहा हूँ आपको आपने एक टोमेटो लेना है उसके 4 पीसेस कर देना
उसके बाद उसको फ्रीजर में रखिएगा, फ्रिज में, मतलब फ्रिज के अंदर रख दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। सुबह उठ के जब राइट आफ्टर व्हेन यू गेट अप, आपने उस पर थोड़ा सा शहद लगाना है एंड जस्ट मेक श्योर यू अप्लाई इट थोड़ा सा ना, इस बहुत बहुत हल्के हल्की तरह से आप उसको अप्लाई कर दें एंड लीव इट फॉर दो तीन मिनट करके जस्ट लीव इट। और उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद आप उसको स्प्लैश करके ना अपने उसको साफ़ कर लीजिए, शहद वगैरह जो भी उसका थोड़ा सा रेजिड्यू हुआ, लेकिन ये आपको कंटिन्यूसली करना है। एक बात याद रखिएगा, इससे फ़ायदा ज़रूर होता है, बट देन अगैन जैसे डॉक्टर्स ने बताया है आपको हाइलोरोनिक सीरम लेना है, वो लगाना है, वो ज़रूर लगाइए। ये तो सिर्फ एक हैक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट आते हैं, आपको इमीडिएटली थोड़ी सी तब्दीली लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी स्किन जो है यहाँ पर, अगर आप अंडर आई पे कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपकी स्किन जो है वो तकरीबन 2-3-4 साल पीछे चली गई है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी इफेक्ट होता है, शाम तक वो दोबारा वापस आ जाता है। इसको 3 से 4 वीक तक करना होता है टू मेक श्योर कि उसका उसका जो असर है वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहे। बट देखिए, ये तमाम वो चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं, मैं गारंटी किसी चीज़ की नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने भी ये हैक्स पढ़े थे, मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इन चीज़ों ने फ़ायदा दिया है, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, लेकिन इसको ट्राई करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात में, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उनकी पूरी स्किन की जो ड्राइनेस है उसके लिए 1 टीस्पून जो है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना शुरू कर दें। हाँ, और रात को सोने से पहले पैर के तलवों पर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नाक के नथनों में और बेली बटन में थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें, आप देखेंगे 1 हफ्ते में स्किन नॉर्मल हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसे कि इंटरनल जो ड्राइनेस होती है वो उससे सही हो जाती है। ओके ओके, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप कुछ ऐड करना? आई वांट टू ऐड कि अगर ये सब भी इनसे नहीं होता तो ये सिंपली ये कर सकती हैं कि टी बैग्स भी रख सकती हैं यहाँ अपनी आइज़ के अराउंड, तो उससे बहुत जल्दी इनकी रिंकल्स भी वैनिश होंगे और साथ साथ डार्क सर्कल्स भी अफेक्ट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल गरम गरम ना आप रख दीजिएगा प्लीज, थोड़ा रूम टेम्परेचर जब हो जाए फिर आपको, तो चाय बनाने के बाद जब आप निकालेंगे उसको आप वैसे तो क्यूकम्बर भी कहते हैं कि क्यूकम्बर रखने से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। आई थिंक वो हाइड्रेट करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। टी बैग्स का ये बेनिफिट है कि टी चाय के अंदर लाइक उसमें जो है वो कैफीन भी आ जाता है, वो सब होता है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है रिंकल्स को वैनिश करने में और डार्क सर्कल्स को भी खत्म करने में। ऑलराइट, तो देखिए बात हम कर ही रहे हैं, बट अगेन ये तमाम रेमेडीज सिर्फ उस वक्त काम करेंगी जब आप इसके लिए काम करेंगे। आपकी हेल्थ आप पे मुनसर करती है, अगर आप उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, जैसे अभी एक कॉल आई थी तो मुझे ये लगा कि उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर से मशवरा ही नहीं किया, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, हम यहाँ पर बैठ के आप ही के लिए शो करते हैं, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? माई नेम इज़ मरियम और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी मरियम, ये फर्स्ट टाइम मैं आपका शो देख रही हूँ एंड माशाल्लाह से द वे यू हैव कैप्चर्ड योर ऑडियंस थ्रू दिस हेल्थ एंड केयर टॉपिक इज हाईली अप्रिशिएटेड बिकॉज नोबडी डज इट व्हाट यू डू। एंड सर माई क्वेश्चन और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो आपके शो पे अभी हम लोग गैस्ट्रिक टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, जस्ट द ओबेसिटी फैक्टर्स एंड ऑल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फैक्टर्स, the surgeries which you are talking, if you could just elaborate more on that, it would be very helpful for your target audience because we are watching, we are actually listening. And sir, mera ek sawal Dr. Laiba ke liye hai, for my son, he is school going, I would like to know the sunblock which he has already mentioned that is more important. Yes. And because hamare yahan taboo samjha jata hai isko ke dermatologist ke paas jaye, nobody gives too much importance to the skin care stuff, right? But I wanted to know that which sunblock is safe for my school going child, and also if you could recommend a safe soap for the for my son as well, because he is right now about 6 years old, 6 saal ka bachcha hai, and the sunblock for him. All right, thank you for the exposed part. Thank you so much, Mariam. Sunblock, any sunblock is safe for your child, but kuch ab aa rahe hain sunblock jispe mentioned hai, sunblock for kids, theek hai, you can go for that.
I don't know if I can mention the company, but there are a lot of them which are available now. Just pe likha hua hai sunblock for kids. Use those or just make sure it's SPF 50 or wo UVB or UVA protected ho. That's it. Soap, anything I would recommend. Bahut bachchon ko hota hai ki unse khushboo achhi aaye and everything, but jitni khushboo hoti hai utni irritation hoti hai. So anything which is less scented for your child as a body wash she mentioned. Yeah. Anything that is less scented, please go use kare. I think there are a lot of products in the market, but again, medicated bachchon ke jo face washes and sunblocks and also body washes. Go for those, not that are over the counter that look pretty, but jo medicatedly hain available. Again, I don't know if I can mention the names, but there are plenty of them in the market. All right. Yeah. Jee. उन्होंने बात की कि वो वेट लॉस सर्जरीज के एलैबोरेट कर दें. देखिए, वेट लॉस सर्जरीज दे आर नॉट मैजिक. पहली बात तो ये है, जब तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं समझेंगे, आपकी सर्जरी लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं करेगी. अगर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल से कराते हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, तो पहला प्रोटोकॉल यही होता है कि आपको पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की प्रैक्टिस कराती है, महीना डेढ़ महीना. फिर अगर डिपेंड करता है कितना वज़न ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको एक लिवर श्रिंकेज डाइट पर रखा जाता है, ताकि आपका लिवर श्रिंक हो, क्योंकि नॉर्मली ओबीस लोगों का लिवर फैटी होता है. जब तक लिवर श्रिंक नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है सर्जन के लिए सर्जरी करना मुश्किल होता है. अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, कोई छोटे से क्लिनिक में, जहाँ पर वो बेरेटिक सर्जरीज ऑफर कर रहे हैं, और वो फिर एक दिन में बुला के कहते हैं आ जाएं सुबह, एडमिट हो जाएं, सर्जरी हो जाएगी, दिस इज़ नॉट ऑन. बिकॉज मकसद सर्जरी सिर्फ करना नहीं, मकसद ये कि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आएँ. जहाँ तक बात टाइप ऑफ सर्जरी की, तो आप अपने सर्जन से डिस्कस कर सकते हो, आपको पूरा असेस करेंगे, स्क्रीन करेंगे, और फिर आपकी सारी एनेस्थीजिया कंसल्ट, पल्मोनोलॉजी कंसल्ट होके, डाइटिशियन के पास से बात करके, फिर आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जाता है. उसके साथ क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सर्जरी क्यों की जा रही है और इसके क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे, एंड देन यू शुड गो फॉर दिस सर्जरी. एक बात और याद रखिएगा, जो इन्होंने कहा कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस वक्त जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आई विल शेयर माई लाइफ एक्सपीरियंसिस विद यू. मैं आज से 8-9 महीने पहले तक 18 मील रोज़ाना भागा करता था, 18 माइल्स एवरी सिंगल डे. नॉट जस्ट अ डे दैट वुड गो बाय, आई यूज टू रन. मुझे खाने का बहुत शौक है. मेरा काम ऐसा है कि मैं 4-5 बजे तक जागता रहता हूँ, और मेरी नींद का साइकिल जो है वो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम होता है. तो 4 बजे भी मैं खाना खाता हूँ, दाल मोट खाता हूँ, चिवड़े खाता हूँ, वट एवर इज़ अवेलेबल आल ईट. कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, चाय बहुत पीता हूँ, बिस्किट्स बहुत खाता हूँ, चिप्स बहुत खाता हूँ, ये सारी चीज़ें लेता हूँ. फिर इन तमाम चीज़ों को एक हॉल्ट लगा 4 नवंबर 2023 को, एंड आई वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, और मेरे लिए एवरीथिंग जस्ट स्विच्ड. एंड अब मैं भाग नहीं सकता, मतलब आप आई कैन नॉट रन. अभी तक मैं नहीं उस पर दोबारा वापस जा सका, और मैं वो सारी की सारी चीज़ें बेतहाशा मिस करता हूँ. तो मैंने ना अपने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि ये मतलब मेरे भागने का फ़ायदा क्या हुआ, इतनी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ. ही स्माइल्ड एंड ही गोज, उसी का फ़ायदा हुआ, उसके अलावा किसी का फ़ायदा नहीं हुआ. बिकॉज यू वर सो सुपर फिट दैट यू कुड सर्वाइव दिस. ऑफ कोर्स इट्स अल्लाह'स मिरेकल, बट यू वर सो सुपर फिट दैट यू कुड सर्वाइव दिस. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपनी सेहत के साथ मत खेलें. ये जो डॉक्टर साहब बता रही हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं पता, बेताशा होते हैं. पोर्शन कंट्रोल पे जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएं, रनिंग करें, वॉकिंग करें. और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ हम चहलकदमी करते हैं ना, कभी काम नहीं करेगी. चहलकदमी ये सोच के करें, फोकस्ड माइंड के साथ करें कि आपका वेट लूज़ होगा, तब आपका वेट लूज़ होगा. ब्रेक लेते हैं. मैं जद रो लंगा
ये क्या है? With a short jacket and a small inner, इसको हम चोली कहते हैं, and it's on a pure fabric with the touches of velvet in it. तो इसमें थोड़ा सा हमने जरदोजी, सीक्वेंस, सिवरोस्की, everything is included in the work. Okay. And there's applique work on the back with hints of pink in it, a magenta tone. So this is outfit you can carry mehndi mein pehen sakte hain, shaadi mein pehen sakte hain, you know, in lighter functions mein pehen sakte hain. Okay. So but it's sort of a party wear. Party wear, yes. Party wear. Okay. Yeah. All right, ji. All right. Bahut bahut shukriya. Thank you very much. Ji, aaiye. Utar ke aa gaya hai usse pata nahi kahan sama gaya hai kaisi faza hai kya rat jaga hai ke man vich mahi vasda man vich mahi vasda ke man vich mahi Yeah, again, it's on pure fabrics, and this is a screen print outfit. Or iske sath pure dhaka hai, and it has all the work. And pura aap dekh sakte ho, usme sequins, gota, everything is included. And there's some on the back as well with a keyhole. And to add the touches, the sleeves pe, thodi si hangings and all. And dupatta, I have done two tone. ये जो लगे हुए हैं ये चीजें ये क्या चीज कहलाती हैं? These are sequins. छन है, इस पे गोटे की भी टचिंग है, and to give it a heavier look. Okay, okay. तो ये कितना देर लगता है बनने में ये? It takes about around a month. Around a month to make this. Yeah, yeah. Why? Because इसमें सारा handwork है ना, it's all handwork. अच्छा handwork है. So it takes time. अच्छा, so here's my question. जिनकी शादी जैसे let's say एक महीने के बाद है, तो are they running to short of time ya aap ka it depends on the design completely bahut heavy joda hota hai obviously they are running short on time but aajkal to market mein everything is available readily available okay so you know is tarah ke outfits ke liye 15 din mein bhi dress ban jata hai ban jata hai ban jata hai ban jata hai acha ye kiske liye hai mehndi ke liye maiyo ke liye shaadi ke liye mehndi shaadi maiyo this is not bridal though no this is no bridal this is not bridal no it's a formal outfit it's a formal outfit okay that you can wear शादियों में मेहंदी या इट्स बेसिकली मेहंदी कलर इट्स बेसिक ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी आइए All right. So, ये please थोड़ा सा explain कर दें. It's a beautiful lavender, lilac color, with hints of pink, reshma in it, and sleeves का इसमें main focus है. Sleeves पे बहुत detailed work है, and ये आप engagements और इस तरह के जो functions होते हैं, it's not a proper mehndi type का जो outfit है. You can check out the color as well. तो ये formal dinners, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसपे you can carry it. इसपे tassels की detailing है. And ये अगेन प्योर फैब्रिक्स पर है और इसमें भी की होल है विद डिटेलिंग एट द बैक वेरी नाइस ओके सो अच्छा ये वाला किसके लिए है ये एंगेजमेंट्स में आप पहन सकते हो यू नो वलीमा टाइप एंगेजमेंट दीस कलर सॉफ्ट कलर्स हम लोग मोस्टली एंगेजमेंट और वलीमा में कैरी करते हैं आई डोंट लाइक वेरी हेवी स्टफ लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट ब्यूटीफुल आउटफिट एंड माशाल्लाह इट लुक्स वेरी गुड वेरी नाइस स्पॉट ऑन थैंक यू वेरी मच जी बहुत बहुत शुक्रिया एनजी अस्सलाम वालेकुम आर वी डन हियर यस ओके यू लुक वेरी नाइस यस थैंक यू बोले It's okay, no, it's okay. आपने बोला थैंक यू बच्ची है ना yeah, yeah, I know. बच्ची है ना सॉफ्टली बोल रही है it's okay. So what have we done here? Okay, so what we have done is we just done tongs के साथ हमें सिर्फ हल्के से beach waves दिए
कौन से वेव्स दिए? बीच वेव्स दिए, थोड़ा सा बस एक जी, आई गॉट इट, आई गॉट इट, ठीक है, इतना पता नहीं, आपको मालूम है लेकिन ऑडियंस के लिए, बीच वेव्स हमने किए हैं। अच्छा, इनका चूंकि फेस थोड़ा सा चबी बेबी फेस है, ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज कि बीच वेव्स को मैंने इनको फेस फ्रेम किया है, ओके, सो दैट द फेस लुक्स स्लिमर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट दिए हैं सेंटर पार्टिंग के साथ, और यहाँ मैंने हल्की सी हाइट दी है, ओके, व्हाई? वो छोटा बेबी गोलू फेस खत्म करने के लिए, ओके, वो जो थोड़ा सा जो चकोर वो जो जी हाँ, उसको खत्म करने के लिए, ओके, उसके थोड़ा सा ये है कि अब थोड़ा सा इसमें यहाँ मैंने हाइट दी है तो इनका फेस जो है वो थोड़ा कंट्रोल्ड लगेगा। अच्छा, और आपने एक्सटेंशन भी लगाई हुई है? जी, एक्सटेंशंस लगाई हैं। जरा एक मिनट, जरा ऐसे कर लें चेयर को, यूं कर लीजिए। आई जस्ट वांट टू शो हर हेयर फ्रॉम द बैक, ओके, दिस इज नाइस। आइडियली व्हाट आई वुड हैव डन इज, अगर हमारे पास और टाइम होता तो मैं इसको भी कर्ल करती, इसको भी मैं बीच वेव्स करती, ओके, जब मैं इसको बीच वेव्स कर देती तो ये और ज्यादा नेचुरल हो जाता। ये जो स्ट्रेट आ रहे हैं ये इसी तरह से आने चाहिए हैं जिस तरह से ये वाले आ रहे हैं। Oh, okay. तो इनके अपने बाल जो हैं, इनको मैं यहाँ पे भी curl करूँ। So here's my question. See, like this. कई मर्तबा ऐसा हुआ है, and I'm not kidding. This is I've done morning shows quite a bit. तो जब मैंने लोगों से, लोग मेरे पास आए तो कुछ लोगों ने मुझे, मैंने किसी के कमेंट किया आपके बाल बहुत अच्छे, तो किसी ने मुझे बताया इनकी एक्सटेंशन लगी, मैं नहीं पहचान सकता कि एक्सटेंशन लगे, सो इनका पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा? देखिए, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, बट तो बिल्कुल भी नहीं लगता, okay. और दूसरा ये होता है कि आजकल जो रियल हेयर के आ रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर आप कर्ल्स कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अपने शेड के हिसाब से। जो रियल हेयर के हैं वो तो बिल्कुल नोबडी बिल्कुल भी नहीं पता, नो वन कैन मेक आउट। अच्छा, ओके, जी, जो रियल हेयर के होते हैं सिंथेटिक है चूंकि, तो इसमें हल्का सा एक शाइन होता है, लेकिन अक्सर लोगों को वो भी नहीं पता चलता, बिकॉज फिर व्हाट वी डू इज कि इसको ब्लेंड इन करने के लिए हम यहाँ शाइन स्प्रे कर देते हैं, ओके, ओके, तो पूरा एकदम एक एंसेंबल हो जाता है, पूरा एक सा लुक आ जाता है। वाओ, वाओ, दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑलराइट, यू लुक वेरी नाइस मैम, आइए जाइए वहाँ, ठीक है, थैंक यू जी, एन जी आप उधर आ जाइए मेरे पास। Right, so this is अभी इनका भी एक इनकी वॉक होगी, अगले उसमें हम करवाएंगे, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो लुक है जी, इसके लिए भी काम ही करना पड़ा है, इसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि काम जी, बिल्कुल, मैं आपको शुरू करने से पहले मेकअप मैंने आपसे कहा था ना, काम पूरा होगा, हाँ, काम पूरा होगा, और वो काम पूरा हुआ जी, काम पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। अच्छा, मेकअप विद मेकअप, हमारे पास वो फंकी वाले आ गए, अगर आ गया तो टू विंडो के अंदर मुझे दे दो, लेट्स जस्ट सी कि वो फंकी फैशंस क्या हैं हमारे, एंड लेट्स लर्न अबाउट देम। दिखाइएगा जरा मुझे, दीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न कि जी फंकी जो होता है, क्रिएटिव, दैट टू विंडो में दीजिए मुझे, दिस इज अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये डिजाइनर्स क्या सोच रहे होते हैं, आई मीन प्लीज एक्सप्लेन, क्या सोच रहे होते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग सच थिंग्स? ये तो सबका अपना एक जो कल्चर होता है, आई थिंक जो नॉर्म्स उनके सोसाइटी में जो चलते आ रही है उस हिसाब से, आई थिंक इट्स देयर इनर innovation जो वो चाहते हैं वो उसको तख्लीक करना। Wow, look at that. I cannot, creativity. This is all creativity. I cannot even think that. जी, इसमें एक थीम होती है। जी, वो तो है, पर वो थीम क्या है? तो फिर वो उसको, अब ये maybe it's more मुझे मिक्स थीम, सर्कस टाइप कुछ मिक्स्ड है। इसी को वो अपने ऊपर बिठाई हुई है। Yeah. और बैक से कोई फेसेस। Sort of a joker frame, right? Yeah. I would say it's more of a circus kind circus. of thing. Circus, okay. I have no idea. But it looks different. तो देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो fashion school में, देखिए ऐसे कपड़े, अब just freeze this. अब ये वाले कपड़े आप market में नहीं देख सकते, कोई नहीं पहनेगा इसको. तो so here's my, ये Met Gala type है. So मेरा question है. जी. Because I don't know this, that's why I'm asking. आपसे भी पूछ रहा हूँ. जी. Please मुझे बताएगा. फिर ये बनाने की ज़रूरत क्या जब कोई पहनेगा नहीं तो? क्रिएटिविटी शो करना अपनी, एक्सक्लूसिवनेस शो करना। आई हैव अ फ्रेंड, दिस इज फॉर द वॉक आई गेस, साहिर, आई हैव अ फ्रेंड हु इज, हमारा पाकिस्तानी बच्चा है, बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, ही इज फ्रॉम लाहौर, वो इस किस्म के शोज के लिए जो इंग्लैंड में इधर उधर शोज होते हैं वो इस तरह के कपड़े डिजाइन करता है, हसन रियाज हिज नेम इज, ओके, सो हिज ब्रांड इज, लुक एट दिस, दिस इज लाइक, ओके, नेक्स्ट लेवल मैम। और फैशन स्कूल्स में, फैशन कॉलेजेस में अक्सर इनको ये मिलते हैं, जैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं टू शो द क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव साइड जी, कि कितना कोई क्रिएट कर सकता है। दिस लुक्स मोर लाइक अ टायर, या लाइक टायर, दिस इज लाइक, ओह आई लव दिस, दिस इज वेरी नाइस, या एक्चुअली आई डोंट नो, आई मीन आई एम टायर विद टायर, नहीं, आई एम श्योर दैट इट्स जस्ट, इट्स नॉट
tire, right? It's just designed. Design, बिल्कुल. है ना? It's just beautiful though. It's beautiful, yeah. I think it's very hard to even carry this. Very hard, yeah. Very, very hard. I don't know कहना क्या चाह रहे हैं creativity में ये, लेकिन कमाल है ये. बहुत खूबसूरत. इसी तरह से makeup में भी, इसी तरह से makeup में भी creativity जो होती है, वो बहुत बाज़ दफ़ा outrageous होती है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. And international competitions में जब आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें आपकी नेल्स की क्रिएटिविटी देखी जाती है, आपके मेकअप की क्रिएटिविटी देखी जाती है, हेयर, हेयर इज़ फ्रॉम प्रॉब्ली हेयर अप टू वन मीटर अप. फैशन शोज में तो ये लोग क्रिएट करते हैं, फैशन शोज में. फिर मैंने जब सिंगापुर में आई वॉज प्रिविलेज्ड आई शुड से एंड ऑनर्ड दैट आई वन अ ट्रॉफी इन 2003 इन सिंगापुर एज एन आउटस्टैंडिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट. तो उसमें ये था कि नेल्स के ऊपर आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना था. सो मैंने क्या किया था, मैंने नेल के ऊपर जैसे क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना गाउन वाली, तो मैंने बटर पेपर लेके उससे गाउन बनाया था और फिर बाकी सारा ड्रॉ किया था. दैट्स वेरी क्रिएटिव. ग्रूम एंड ब्राइड. वाओ वाओ. सो या सो आई वन अ ट्रॉफी ऑन ऑन दैट. आपको जनरा आपको भी जाना चाहिए. आपको अपने नेल्स बड़े करके ना उसके अंदर से वो गुजारना चाहिए लूप जो आपने गुजारा था. या आई एम जस्ट सेइंग दैट. ओह दिस इज नाइस. अंडा एंड पिज्जा. नो, अंडा. इज इट अ पिज्जा सैंडविच? जी सर, पे पिज्जा सैंडविच. इट्स अ सैंडविच. इट्स अ सैंडविच. इट्स अ सैंडविच. ऊपर ब्रेड रखी. ब्रेड है, ब्रेड है ऊपर. इट्स अ सैंडविच लाइक अ फ्रेंच ब्रेड. इट्स अ सैंडविच. आई डोंट नो व्हाट इट इज. ब्रेकफास्ट मे बी. Yeah, I think it's breakfast. It's breakfast. It's breakfast. So the theme is breakfast. Yeah. Wow. Super, super. Let's just take a break. Yeah. That's it. गैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर. ये जुल्म ना कर गैरों पे करम अपनों पे सितम. है जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर. जाएंगे हम ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर गैरों पे करम अपनों पे सितम. ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर. तुझको तेरी बे
दर्दी की कसम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर तुझको तेरी बेदर्दी की कसम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर रहने दे अभी थोड़ा सा भरम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर ये तेरे मंजूरे नजर जी चाहा तो अब इकरार करो हम भी थे तेरे मंजूरे नजर जी चाहे तो अब इकरार न कर सौ तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर वार न कर बेगानों से मिलकर वार न कर बेमौत कहीं मर जाए न हम ए जाने वफा ये जुल्म न कर खैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर रहने दे अभी थोड़ा सा भरम ए जाने वफा ये जुल्म ना कर ये जुल्म ना कर थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ थैंक यू बहुत शुक्रिया अच्छा जी अब खाना बनाऊंगा मैं और वेट बिल्कुल नहीं इससे आपका गेन होगा जो भी हो रहा है आइए प्लीज़ आ जाइए किचन के अंदर लेट्स सी जी कि आज किचन में हमारे पास है क्या ओ वेरी नाइस आज साग बनाने वाला हूँ मैं और अल्लाह मालिक है जो कुछ भी होगा वो तो होगा कुछ किया नहीं जा सकता बटर है मेरे पास साग चिकन है बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि साहिर भाई आप साग चिकन दोबारा से क्यों नहीं बना रहे बना रहा हूँ मैं देयर यू गो थैंक यू एक आप में से इधर आ जाए कोई श्योर हाँ थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा जी तो बस इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है और ये बात याद रखिएगा कि ये विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स बन भी जाएगी बस आपको सिर्फ इतना करना है कि नमक मिर्चें लहसुन अदरक वदरक जो भी आपने डालना है वो सब का सब आपने अपने उससे डालना है बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा मिर्चें खाता हूँ आप देख रहे हैं कि यहाँ खासी मिर्चें मकदार में मौजूद भी हैं हाँ क्या कहते हैं ये वाली ये हाँ आज थोड़ा सा मैं अलग बनाऊँगा क्या हो गया डॉक्टर मैं मिर्ची सारी चेक कर रही थी ना आप चेक कर ले पूरी है ना सारी पूरी है पूरी आज एक एडिशन है आज एक ये वाली ना हां ये बहुत अच्छा ये एडिशन है आज आज इसी का हम इस्तेमाल करेंगे इसी को इस्तेमाल अच्छा कसम से मतलब खाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को किसी को भी खाने की जरूरत नहीं है नहीं बनता अच्छा है ऑलवेज लेकिन बस मिर्ची मेरी इतनी इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह इतनी इतने लोग इज्जत करते हैं नहीं मैंने कहा बनता बहुत अच्छा है जी डॉक्टर और ये सब हमें सिखाया जाता है कि हम ये बोलें लेकिन बनता बहुत अच्छा है सीरियसली सिखाया जाता है आपको आपने भी ब्रेक में मुझे क्या बोला था खुदा की कसम ये नहीं बोला था मैंने बिल्कुल नहीं बोला था और जिस ब्रेक में तो मैं किसी से बात ही नहीं करता मैं तो गाने गा रहा हूं तो नहीं आप रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम आप जी बिल्कुल दिखाएगा बट दिस इज अच्छा जोक से पार्ट बहुत अच्छा बनाते हैं मिर्चे थोड़ी ज्यादा होती है बट अच्छा बनाते हैं ओके जी तो मैंने ये बटर जो है इसको मेल्ट कर दिया है इसके अंदर और बटर की मेल्टिंग के बाद आज मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर रहा हूँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ज़रूर पहले ही डाल रहा हूँ थैंक यू और प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज डालूंगा हाँ ये बात याद रखिएगा थोड़ा सा ग्रीन चिली का ये जो है ये मैं ज़रूर डालूंगा कितनी डाली आपने सारी कितनी मतलब कितनी होंगी आई थिंक ये तकरीबन 10 के करीब थी पतली वाली जी मत खाइएगा डॉक्टर साहबा क्रीम किधर है क्रीम मुझे बताओ क्रीम किधर है क्रीम हाँ वो लग रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके अच्छा जी ये किया
इसके बाद हमने एक और चीज करनी है, प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेड चिलीज है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनको, डॉक्टर साहब को और इनको, बिल्कुल आपने अगर, हाँ सबसे पहले आप करें, किसी को नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, तो ये मैंने किया, इसके बाद ये आपने क्या डाला इसमें? रेड चिलीज। हालांकि ये मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट कुक थी चिकन, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस बटर के अंदर फ्राई कर रहा हूँ, देयर इज अ रीजन टू इट, थोड़ा सा इस पर क्रिस्पी आ जाएगा, इसका जो टेस्ट होगा बटर के साथ मिलके थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा और इट बी डिफरेंट, थोड़ा सा आपको टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। और ये आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट करना है, मुझे चूंकि प्रोग्राम के अंदर जल्दी जल्दी करना होता है इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट आपको ये करना ज़रूरी है। अच्छा, ये आपका मीडियम टू हैवी फ्लेम के अंदर बनेगा, ये वाला जो है, ये पोर्शन जो है, इसके बाद आप फ्लेम जो है उसको लाइट कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई टॉक लाइक दिस बट आई डू, सीरियसली मुझे कभी कभी हैरत होती है कि मुझे ये सब पता कैसे है, बट हो जाता है। ये देखिए, अब्रॉड में तो कख नहीं बनाया मैंने कभी, कुछ नहीं बनाया, बाहर ही खाता था मैं हमेशा, और अब्रॉड में खिलाने वाले बहुत थे। When male cook, they cook better. Always, इनके हाथ में टेस्ट है, देखे ना ये सारी चीजें के मैंने डाली होती ना, और इससे हम बनाया होता और एक बात और बता दूं, इसको भी आप ना बड़ी जो पीठा ब्रेड होती है उसके अंदर डाल के खा सकते हैं, इसके अंदर बुरीटोस या टाकोस के अंदर डाल सकते हैं आप, इतनी ही मिर्चों के साथ, इट बी रियली गुड, ट्रस्ट मी इट बी रियली गुड। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डालने वाली है जो मैं मुंह उधर कर लूं? नहीं नहीं, आप उधर नहीं करें, आप उधर नहीं करें। गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, ये मैं बहुत ज़्यादा ये भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं दो चीज़ें कम मतलब एक गरम मसाला तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता किसी भी खाने में, इवन अगर इफ़ आई वर टू की बिरयानी मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं डालूंगा उसमें गरम मसाला। ब्लैक पेपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक पेपर, वैसे बहुत अच्छी होती है। अंडे के ऊपर क्या डालते हैं? नेवर ब्लैक पेपर, तो नमक, दैट्स इट, दैट्स इट, एंड रेड चिलीज समटाइम्स, रेड चिलीज तो डाल सकता हूं मैं, रेड चिलीज तो मैं कभी नहीं, पाउडर फॉर्म ऑफ रेड चिली, नहीं नहीं नॉट पाउडर फॉर्म, कटी हुई, प्योर कटी हुई, प्योर कटी हुई, ऑन अ फ्राई एग, ऑन अ फ्राई एग, हां इट्स फाइन, मैं खा सकता हूं, ऑन अ फ्राई एग में डाल सकता हूं, आई एम श्योर। ओके जी, अब प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपने अपनी मर्जी से डालना है, बिल्कुल मैं कैसे भी डाल लूं जी, हां बिल्कुल टेस्ट, आपने अपनी मर्जी से डालना। वो अभी तक मिर्चें देख रही हैं। डॉक्टर साहब आप फिक्र नहीं करें। मैं सोच ही कुछ रह गया। कुछ भी नहीं होने वाला। सब जाएगा। जी आपने श्रेडेड चिकन डाला। हाँ, ये श्रेडेड चिकन मैंने इसमें डाल दिया। थैंक यू। अच्छा, श्रेडेड चिकन चूंकि पहले से बन जाती है, अभी आपको पता चलेगा इसके अंदर ये सब चीजें घुल जाएंगी। क्या कह रही है? तमाम चीजें जी जी, वो सब बैलेंस ही हो जाता ना। बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको, आपने देखा होगा अक्सर चीजें मैं बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाता हूँ, मगर ये मैं थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें क्रंची फ्लेवर जो है वो चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई नीड टू स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद मैंने सिर्फ इसके अंदर क्रीम डालनी है और ये ऐड करना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने के बाद ये साग चिकन जो है तैयार हो जाएगा। 15 मिनट्स इसको लगेंगे तैयार होने में, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright, जी, once again, welcome back. हम वेट की बात कर रहे हैं, हमने स्किन की बात की है, अब आते हैं बालों की तरफ। बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और क्या आपके बालों का गिरना किसी खास वजह से होता है, क्या उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी होती है आपके फूड में जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, या हेरिडिटरी होता है यानी मरूसियत से, विरासत से आपको मिलता है, तो लेट्स टॉक टू यू, प्लीज़ बताइए बालों का गिरना जो है वो किस वजह से होता है। सो अगर हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करें, सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर आपके अंदर है, आपकी डाइट में फ़िश ऑयल वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, या अमूमन थायरॉयड डिसऑर्डर्स अगर चल रहे हैं आपके, अंडरलाइन थायरॉयड आपको पता ही नहीं है, तो वो एक मेजर फैक्टर होता है हेयर फॉल का, मैसिव हेयर फॉल का। ओके,
ओके तो अच्छा तो क्या मरूसियत भी होती है इसमें काम करती है? जेनेटिक्स भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं। यानी अगर कोई बैलेंस डाइट नहीं है, आप नट्स नहीं खाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा बायोटिन मिल जाता है, बहुत अच्छा आपको विटामिन ई मिल जाता है, ये सब छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका बॉडी में हम सब आजकल वैसे ही नट्स हुए में क्या नट्स खाएंगे सीरियसली वी आर डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्या एक्सोसोम्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इन दोनों काम करती है? शायद दे वर्क रियली वेल बट ऑन फ्यू पीपल अगैन, और कुछ लोगों को दे रिक्वायर मोर सेशंस, बट आई थिंक एक्सोसोम्स इज ट्रिकी, एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल बिफोर यूजिंग इट बिकॉज इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। तो अगर आपके अंदर कोई अंडरलाइंग इशू है, फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं कोई सिस्ट है, कोई खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है या कोई भी चीज़ है, तो वो उसको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। यस, सो एक्सोसोम इज नॉट अ पीस ऑफ केक, एंड मैंने देखा है हर कोई करवा रहा है एंड दे आर जस्ट गोइंग फॉर इट। प्लीज गेट टेस्टेड। कौन बात कर रहा है प्लीज जी? या सो प्लीज गेट टेस्टेड। अब आई डोंट मीन कि आप जाके MRIs कराएं और ये सब कराएं बिफोर यू गेट इनटू एक्सोसोम्स, बट एक्सोसोम यू नीड टू बी केयरफुल व्हेनेवर यू गेट इट डन। कोई भी आपके अगर अंदर इशू है या कुछ है, जस्ट बी वेरी केयरफुल, इट्स अ ग्रोथ फैक्टर, तो वो जो है इट विल एग्रीवेट इट और वो आप इस चीज़ आएगी या ग्रो होगी, बाकी दे डू वर्क। हमने बालों के गिरने के बारे में बात की, अब बालों को अगर रोकना है तो वो किस तरह से रोकना है, नेचुरल कोई रेमेडी बताइए। अच्छा, अगर बालों को रोकना है, जिसमें ऑयलिंग का कहा पहले ही बता चुके हैं, हेयर फॉल रोकने के लिए भृंगराज जो तेल है वो सबसे इफेक्टिव है। अगर किसी का बाल हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भृंगराज तेल इंतहाई इफेक्टिव है। आप लगाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि आपका हेयर फॉल भृंगराज आपका हेयर फॉल जो है फ़ौरन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि रोज़ लगाएं तेल, लोग सवाल करते हैं, रोज़ तेल इसलिए नहीं लगाते कि रोज़ आपको बालों को वॉश नहीं करना, शैम्पू नहीं करना है, तेल ना लगाने की वजह सिर्फ ये। हफ्ते में दो बार या तीन बार तेल लगाएं, गीले बालों में कंघा नहीं करना है, बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना है, और थोड़ा सा जो लास्ट रिंस होता है उसमें थोड़ा सिरका डाल के वो लास्ट रिंस कीजिए, कि इसका पीएच जो है एसिडिक होता है बालों का, तो वो नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब एसिड साइड पे रहना चाहिए, तो उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जब बाल का हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए तो क्या उसके बाद रेमेडी को कंटिन्यू करना चाहिए या एज पर नीड बेसिस? देखिए, 3 to 4 months आपको कोई भी चीज़ लगानी चाहिए, चाहे आप मेडिसिन खा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं या होम रेमेडी कर रहे हैं, 3 to 4 months, इसलिए कि पूरा प्रोसेस होता है हेयर ग्रोथ का, ऐसा नहीं कि आज बाल गिरा है और कल निकल आएगा, उसका पूरा एक प्रोसेस है, उसको 3 months लाजमी देना है आपने, और उसके बाद एकदम से नहीं छोड़ेंगे, टेपर्ड ऑफ करते हल्के हल्के हल्के, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। आपकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी हैं, आपने PRP लिया है, आपने एक्सोसोम लिया है, ताकि आपकी जड़ें जो है वो मजबूत हो जाएं। होता है कि बाल तो निकल आते हैं लेकिन जड़ कमज़ोर होती है, तो वो बाल हाथ में आ जाता है तो जड़ का मजबूत होना, आपने डाइट अच्छी लेनी है, आपने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, 5 अंजीर या 5 जो है आपके अखरोट रोज़ाना के बहुत है, अगर भिगो के खाते हैं तो ये आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है और न्यू हेयर ग्रोथ करता है। ओके ओके, अच्छा जी, तो अब बालों के बारे में बात की, ये तो नेचुरल रेमेडी है, आप कुछ कहना चाहती हैं बालों के सिलसिले में? PRP obviously is a treatment, but again PRP हर किसी के लिए, मैं हमेशा मैंशन करती हूँ, हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई डिफिशेंसी आपको है, आपकी बॉडी में है, तो PRP won't work, because वो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, हम आपका ही ब्लड लेते हैं, उसी को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें सिर्फ एक्टिवेटर डालते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। बट अगर कोई ना कोई डिफिशेंसी है आपको, तो वो मेरा PRP का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लोग कहते हैं हमने 6 सेशन कराया, हमने 8 सेशन कराया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 12 भी कराएंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इंटरनली। बट जी, आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, पहले आपके टेस्ट होने, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक हैं, हमने सारे अपने टेस्ट कराए, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमें PRP का फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज देयर इज नथिंग बेटर देन PRP, क्योंकि वो आपका अपना ब्लड है एंड अपना ग्रोथ फैक्टर है। इवन एक्सोसोम से भी बेहतर है PRP? एक्सोसोम इज 10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन PRP। देखिए, PRP इज समथिंग नेचुरल और सेफ है ना? हाँ, वो सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, दैट्स योर ओन ब्लड रिएक्टिंग टू योर सेल्फ। लेकिन एक्सोसोम इज पावर बाई 10, ठीक है, इट वर्क्स, मतलब PRP के सेशंस चाहिए आपको, 10 चाहिए, 8 चाहिए, एक्सोसोम 1 या 2। बट देन अगेन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर हिस्ट्री के एक्सोसोम्स आप करने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर, कोई पहले का कोई डिसऑर्डर तो नहीं, कोई अंडरलाइंग इशू तो नहीं, फिर करवाएं। ओके, जी, एज़ यूजुअल जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइट का सबसे अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तो उसके बाद लाइक जैसे इन्होंने कहा कि PRP सम हाउ ऐसा होता है कि 10 या 12 सेशंस भी ले ले तो नहीं रिज़ल्ट आते, उसका ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब आप कुछ इंटेक अच्छा नहीं कर रहे होते, तो डेफिनेटली जो हमने आपका ब्लड ड्रॉ किया है उसमें आपका प्लाज्मा ही नहीं इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा होता कि वो आपके बालों पर कुछ अच्छा वर्क करे।
तो मेन चीज़ तो यही है कि वट एवर यू ईट इट शोज़ ऑन योर स्किन, इट शोज़ ऑन योर हेयर, एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर अगर कोई थोड़ी बहुत अगर कमी आती है किसी चीज़ की तो वो हम प्रोसीजर से उसको ओवरकम कर रहे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर कोई भी चीज़ क्रॉनिक है, आई मीन बहुत पहले से चली आ रही है कि जी 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, बाल गिर रहे हैं, ख़त्म जो है बाल रुक ही नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। आप कोई भी प्रोसीजर करें या आप कोई भी मेडिकेशन करेंगे तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने में वो टाइम लेगी। तो थोड़ा सा जो है वो सब्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट्स हमेशा आते हैं क्लिनिक में वो यही थोड़े इम्पेशेंट होते हैं कि वो एक सेशन लिया और आते ही बोलते हैं हमने सेशन ले लिया बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा। थोड़ा इट विल टेक टाइम, उनको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं क्रॉनिक मसला है इसको, जितना अंडरलाइंग इशू ना हो, यस सच एज थायराइड, पीसीओएस, हार्मोन्स, वो भी हो सकता है, वो अगर है और ऊपर हम ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, पीआरपी कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो अंडरलाइंग इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सॉल्व्ड। जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं भी यही कहूँगी जो डॉक्टर लाइबा कह रही हैं कि अंडरलाइंग इश्यूज फीमेल्स में ज़्यादातर पीसीओएस में जो एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं मेल हॉर्मोन्स, तो मुसलसल उससे हेयर फॉल हो रहा था। तो अपनी मेडिकेशंस प्रॉपरली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाते रहे, हार्मोन ट्रीटमेंट्स अपना कंटिन्यू रखें, एंड मोस्ट कॉमनली डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और डाइट तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब देखें जो पीसीओएस के पेशेंट होते हैं उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं चिन एरिया पे या फिर यहाँ पे, तो ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि डॉक्टर लाइबा मुंह पे तो बाल आ रहे हैं, सर से गिर रहे हैं, सर से गिर, दैट इज़ या ट्रस्ट मी दीज पीपल कम अप विद दीस थिंग्स के मुंह पे आ रहे हैं तो सर से गिर रहे हैं, बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम, हार्मोनल इशू है, उसको एड्रेस करें, क्योंकि वो आपका जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है जिससे बाल आना शुरू होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अच्छा जी, टाइम आइए Yes, courtroom, kitchen courtroom. Let's see किसी क्या होता है. Kitchen courtroom. हट जाइए. Thank you. Haris, हट जाइए. It's okay, done. All righty then. Let's see how it's going to be. और अगर ये गलत है, आप इधर आ जाइए, please. All right, जी. We'll see how it is. क्या हुआ? मतलब मैंने उनको कहा इधर आ जाए। ओके जहां भी रहे आप लोग खुश रहे। ऑलराइट जी, अब देखना ये है, हाँ अल्लाह ही मालिक है, जज हैं जज, हाँ आज हमारे चार जजेस हैं। नहीं नहीं एक ही बहुत है, हम तो शौक से खा लेते हैं। अच्छा आप ये लीजिए, लाइबा जज, थैंक यू जी। ऑलराइट जी, अम्मा की मुसीबतों का एहसास होता है मुझे। मैं इतनी मुश्किल से क्या कह रही हूँ, ये बहुत है उसी में, यस आई थिंक बहुत ज्यादा है, हां दोनों के लिए लाइए, दिस शुड बी एनफ फॉर बोथ ऑफ अस, दिस शुड बी एनफ, या ओके, तो मैं एक उठा लूं क्या? या श्योर उठा ले, लाइए ये लो, तुम उन लोगों को दे दो। सच सच बताना है आज, बिल्कुल जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पराठे भी दे दे, हाँ पराठे भी ले लीजिए, अगर किसी ने भी बोला ना, नहीं नहीं यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। ये मजे का है, मेरी तो मिर्चें ज़्यादा ही होती हैं, हाई लेवल की, और हमारे यहाँ बहुत हाई लेवल की होती मिर्चें जी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं इट्स नाइस अच्छा है, गुड, इट्स रियली गुड, टेस्ट अच्छा है, टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिर्च, नो डाउट है लेकिन अच्छा है। अब जैसा भी है ना बन गया है, हम लोग तो खा लेते हैं यार, नहीं नहीं जी मैं करूँगा अपनी टीम के साथ बाद में डेफिनेटली। अच्छा सेहत के मामले में कोई टिप देना चाहती हैं आप? सेहत के नहीं, आप खा लें, खाते पे टिप दे दें, कोई मसला नहीं, कि अपनी डाइट बैलेंस रखें, तो एक फिक्सेस कहीं नहीं मिलते, एनर्जी जब इनटेक करेंगे तो उसको बर्न आउट करना पड़ेगा, तो अगर आप ज़्यादा खाना खाने के शौकीन हैं, हाई कैलोरी फूड खा दें, तो फिर उसको डेली 30 या 40 मिनट्स के ब्रिस्क वॉकिंग से बर्न करें। अच्छा जैसे कहा सेहत के लिए वॉक या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खा के बैठे रहना जो है ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, सिर्फ वज़न नहीं बढ़ता वज़न कम भी हो जाता है, लेकिन अगर आप वॉक करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, क्योंकि वॉक के टाइमिंग्स के हिसाब से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आपने मिनिमम 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी है। जी मैं सिर्फ यही कहूँगी कि सबसे पहले तो डाइट अच्छी करें, उसके बाद अपना लाइफस्टाइल अच्छा मेंटेन करें और खुश रहें, अच्छा सोचें और वॉक भी करते रहें और अपने लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से मेंटेन करें। जी क्या कहना चाहती हैं?
आई वुड से कि स्टे हैप्पी बिकॉज जितना आप स्ट्रेस लेंगे अपने स्किन को लेके, हाँ बालों को लेके, और मजीद खराब होंगी. सो द मोर यू स्ट्रेस आउट अबाउट इट द वर्स इट गेट्स. तो कीप इट इजी. यस मैम. स्टे हैप्पी तो स्किन भी सही है, बाल भी सही है, सब कुछ सही है. आप लोगों को भी दे दूं? जी यस. आप लोगों के लिए फ्राइज वगैरह लेके आऊं? नहीं जी, मुझे बता दीजिए. मतलब मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना? जी जी, मैं बिल्कुल, मैं मेहमान नवाजियाँ करते रह जाता हूँ. अच्छा, तो बेसिकली आज हमने सेहत के बारे में बात की, हमने स्किन के बारे में बात की, हमने बात की आपके बालों के बारे में, हमने बात की आपके वेट के बारे में. अच्छा, ये जो फूड है जो हम बना रहे हैं, खा रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि ये इसके लिए हम पैदा नहीं हुए हैं. हम खाएं इसलिए बिकॉज हम जिंदा रह सकें. जिंदा रहने के लिए मतलब ना खाएं कि बस ज़िंदगी का मकसद ही आपने एक बना लिया कि हमने खाना ही है. प्लीज़ मेक श्योर करें कि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो यहाँ से वो जगह है जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है, बिल्कुल इसी जगह से. यहाँ आपने इंटरमीडियंट फास्टिंग पे जाना है, जाना ही जाना है. हेयर एंड देयर अगर आप महीने में 10 दिन इंटरमीडियंट फास्टिंग कर लेते हैं तो आई थिंक आप थोड़ा सा बैलेंस कर सकेंगे. यू कैन गो बैक एंड फोर्थ रियली. 30 दिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, लेकिन आप 5, 7, 8, 10 दिन ऐसे ऐसे ब्रेक्स दीजिए जहाँ पर आपका सिस्टम जो है वो क्लेंस हो सके. एम आई राइट और रॉन्ग? तो आप लोगों में से कौन कौन करता है इंटरमीडियंट? आप करते हैं, आप तो करते हैं हमेशा से, आप भी करती हैं, आप भी करती हैं, आप तो करती हैं, आप करती हैं, आप नहीं करती, क्यों, वजह क्या? सर बस टाइम नहीं मिलता. इंटरमीटेंट का टाइम नहीं मिलता या होती नहीं है? होती नहीं, होती नहीं, और टाइम भी नहीं मिलता. उसका थोड़ा सा एक एवरेज टाइम रखें, नॉट एक्सीड. तो 18-18 घंटे भी नहीं रखें. एक 14 आवर्स फास्ट इजीली मैनेज हो सकता है. वो आप 18 घंटे क्यों नहीं रखें? अच्छा, उसमें Because sometimes you don't, you are unable to take up the calories according to your. नहीं डॉक्टर साहब, आप 22 घंटे भी कर सकती हैं. आपका नहीं बात करें, हम नॉर्मल लोगों की बात करें, हमारे जैसे लोग जो हैं, मतलब हम लोग, मतलब जी आप जी, कर सकते हैं. आप आपको तो रीजंस भी हैं जी, आप, जी. आपके रीजंस हैं अभी. आने वाला वो रीजन कब है? कब है? 11th ना? 11th 12th 13th. There you go. सब को सब इनवाइटेड है ना? अपने ये लोग अंदर भी नहीं घुसाएंगे, बताया आपने. जिसको इन्विटेशन आएगा सिर्फ वही जाएगा. मतलब आई डोंट थिंक नो. बट एक बात याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे सेहत आपकी है तो ये आप ही की जिम्मेदारी है. एक चीज़ के बारे में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और जितने लोग हैं इनसे भी कहता हूँ कि ये भी अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर लिखें, अपने पेरेंट्स के पीरियोडिक टेस्ट ज़रूर करवाइए. जब वो एक ओल्डर एज में दाखिल हो जाते हैं, एक ऐसी एज में दाखिल हो जाते हैं जहाँ फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम कर सकती है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उनके वो टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं. प्लस जब आप उनके टेस्ट करवाने जाएं तो ये सोचिए कि अगर इनके मैं टेस्ट करवा रहा हूँ तो साथ साथ मैं अपने भी टेस्ट करवाना शुरू कर दूँ. सो आपको हर 6 माह में अपने ये टेस्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए. बिकॉज कुछ भी हो सकता है. मुझे 4 साल से ब्लड प्रेशर था एंड आई डिड नॉट नो अबाउट इट. मेरा जब उन्होंने EKG को टाइप होता है जिसके अंदर आपके वेंट्रिकल्स नज़र आते हैं, तो मेरा जब लेफ्ट वेंट्रिकल उन्होंने देखा है तो वो इतना ओवरसाइज था कि वो सर पकड़ के बैठ गए थे. उन्होंने कहा यार व्हाट इज़ दिस. तो इसका मतलब है कि उस साइड ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, डिस्पाइट मी रनिंग. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड आपको अपने टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है. थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया. कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.